द पेरेबल ऑफ द पाइपलाइन। इस पुस्तक के ऑथर हैं बर्क हेजेस। नई अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त आमदनी का स्थायी स्रोत कैसे बनाएं? इस पुस्तक में आप भी मिलियनर बन सकते हैं। प्रिय पाठक, 100 साल पहले आम आदमी का मिलियनर बनना लगभग असंभव था। 20वीं सदी के मोड़ पर जीवन शैली के इन आंकड़ों पर नजर डालें। 1900 में अमेरिका में औसत वेतन 22 सेंट प्रति घंटे था। आम कर्मचारी हर साल 200 से $400 के बीच कमाता था, यानी गरीबी रेखा से काफ़ी कम। सिर्फ 6% अमरीकी हाई स्कूल पास थे। औसतन जीवन काल 47 साल था। सिर्फ 14% घरों में बाथटब था। अमेरिका में कुल 8,000 कारें थी और केवल 144 मील पक्की सड़कें थीं। प्रथम विश्व युद्ध तक औसत अमरीकी परिवार अपनी 80% आमदनी रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी आवश्यकताओं पर खर्च करता था। सारांश में कहें तो 100 साल पहले बुनियादी तौर पर दो ही आर्थिक वर्ग थे, अमीर और बाकी लोग। 10 परिवारों में से केवल एक ही उच्च वर्गीय और मध्यम वर्गीय था। इसका मतलब है कि सन 1900 में अमेरिका में 90% लोग गरीबी की श्रेणी में आते थे। मध्यम वर्ग अब भी वेतन से वेतन तक जी रहा है। 100 साल आगे बढ़कर 2001 तक आए, आज मीडियन पारिवारिक आय $47,000 है। अमेरिका में जितने लोग हैं उससे ज़्यादा कारें हैं। ज़्यादातर परिवारों के पास कम से कम 2 TV हैं। औसत जीवन काल 75 साल है। आज आम लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल यानी ज़रूरतों से ज़्यादा आय है, ज़्यादा खाली समय है और कैरियर के पहले से ज़्यादा विकल्प हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के 72 मिलियन परिवारों में से ज़्यादातर एक मासिक वेतन से दूसरे मासिक वेतन तक जी रहे हैं। पारिवारिक घर, कारों और फर्नीचर को हटा दे तो औसत परिवार के पास कोई संपत्ति नहीं है, शून्य संपत्ति। हालांकि पारिवारिक आमदनी बढ़ी है, लेकिन पारिवारिक कर्ज और काम के घंटे भी बढ़ गए हैं। इस तस्वीर में क्या गलत या गड़बड़ है? क्या आप गलत सिस्टम में काम कर रहे हैं? इसमें गड़बड़ यह है कि बहुत सारे लोग गलत योजना पर चल रहे हैं। वे गलत सिस्टम से जुड़ गए हैं और उनके पास इस बात की बुनियादी समझ नहीं है कि दौलत कैसे बनाई और जोड़ी जाती है। मैं एक साहसिक कथन कहने जा रहा हूँ जिससे आपको सदमा लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह 16 आने सच है। सुनने के लिए तैयार हैं। आग लपेट के बिना सीधे सीधे कहता हूँ, हकीकत यह है कि आज मिलियनर बनना संयोग का नहीं चयन का मामला है। आपने सही सुना है, आज मध्यम वर्गीय आय कमाने वाला हर व्यक्ति मिलियनर बन सकता है। असंभव कतई नहीं। दरअसल यह काफ़ी आसान है। आज अगर आप मिलियनर बनना चाहते हैं तो आपको बस ये 3 कदम उठाने की ज़रूरत है। पहला, ये समझे कि दौलत कैसे बनाई और जोड़ी जाती है। नंबर 2, दौलत बनाने के अजमाए हुए सिस्टम की नकल करें। नंबर 3, ये काम निरंतर करते रहें। बस यही, सिर्फ ये 3 कदम उठाकर ये आम लोग $1 मिलियन की संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं और मिलियनर बन सकते हैं। समझना, नकल करना और निरंतरता। आप इस पुस्तक में क्या सीखेंगे? इस पुस्तक से आप अजमाई हुई रणनीतियाँ सीखेंगे। इन रणनीतियों का इस्तेमाल करके आम लोग अपने और अपने परिवार के लिए सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। इन रणनीतियों पर अमल करना आसान है। के समय के इम्तिहान में भी खरी उतरी हैं और इनकी बदौलत पिछले 50 सालों में लाखों लोग मिलियनर बने हैं। दोस्तों, मिलियनर बनना अब खुशकिस्मती पर निर्भर नहीं करता। यह तो सिर्फ सीखने और दौलत बनाने की अजमाई हुई रणनीतियों के अनुसरण पर निर्भर करता है। द बेस्ट सेलिंग पुस्तक द मिलियनर नेक्स्ट डोर के अनुसार बहुसंख्यक मिलियनर रॉकफेलर और वंडरबिल्ट्स के वंशज नहीं है। 80% से ज़्यादा मिलियनर सामान्य लोग हैं जिन्होंने अपनी दौलत एक ही पीढ़ी में इकट्ठी की है। इस बारे में सोचें, 80% से ज़्यादा मिलियनर सामान्य लोग हैं। यह आंकड़ा मेरी कही हुई बात को साबित करता है, आज मिलियनर बनना संयोग का नहीं चयन का मामला है। इस पुस्तक का लक्ष्य आपको वे रणनीतियाँ सिखाना है जिनका इस्तेमाल करके दौलतमंद लोगों ने अब दौलत बनाई और इकट्ठी की है। पहले इन रणनीतियों का इस्तेमाल केवल विशेषाधिकार वाले चंद लोग ही कर सकते थे। अगर आपको सन 1900 में रणनीतियाँ पता भी होती तो भी आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उनका लाभ लेने के लिए आपके पास संभवतः नगद पैसे और उचित संपर्क नहीं होते। आज वह बात नहीं है, आज स्थिति बदल चुकी है। आज बेहतर औद्योगिकी की बदौलत, मध्यम वर्गीय वेतन बढ़ाने के बदौलत और ई कंपाउंडिंग यानी चक्रवर्ती नामक नवाचारी बिजनेस मॉडल की बदौलत हाई स्कूल और उससे
ज़्यादा की शिक्षा वाला लगभग कोई भी मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपने धन, समय और संबंधों की लिवरेजिंग करके व्यक्तिगत व वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। इस पुस्तक में बताई रणनीतियों के अनुसरण करके आप भी मिलियनर बन सकते हैं। मिलियनर क्लब में आपका स्वागत है। बर्क हेजेस। हर उस व्यक्ति को जिसके पास पाइपलाइन बनाने की बुद्धिमत्ता है और यह ज्ञान दूसरों को देने की इच्छा है। इस पुस्तक का आभार यह है, जब मैं डॉक्टर स्टीव प्राइस के बारे में सोचता हूँ तो अनुशासन, संकल्प, एकाग्रता और धैर्य के वे शब्द जो दिमाग में आते हैं वे इस पांडुलिपि की सफल पूर्णता की रीढ़ थे। स्टीव, आप बेहद गुणी हैं और किसी प्रोजेक्ट को शुरू से अंत तक पूरा देखने के लिए समर्पित भी हैं। मैं आपकी कोटि कोटि प्रशंसा करता हूँ और मेरी निगाह में आप अनमोल साझेदार हैं। मैं INTI पब्लिकेशन के अध्यक्ष कैथरीन ग्लोवर का सदैव ऋणी कृतज्ञ हूँ। कैथरीन असाधारण लीडर है। इस पुस्तक के सृजन और विकास के दौरान उनका विवरणों पर ध्यान व राय अमूल्य थे। मैं आसानी से पढ़ने वाले लेआउट तैयार करने वाली डोना मॉरिसिस के असाधारण काम के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। डोना, आपके साथ काम करना हमेशा आनंददायक होता है। लीज चेरी और उनकी सृजनात्मक टीम को अद्भुत कवर डिज़ाइन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी डिज़ाइन ने अतिरिक्त आय की जबरदस्त शक्ति सप्रेषित करने में धक्का मारा है। टीम INTI के अध्यक्ष के प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद दिए बिना यह आभार पूरा नहीं होगा। सैंडी लोरेंजन INTI के कामकाज को किसी स्विच घड़ी की तरह चलाती है। डी ग्रेड ने उद्योग की 5वीं सबसे अच्छी वेबसाइट बनाई है तथा उनका प्रबंधन करते हैं। सीडी होज न सिर्फ वेयर हाउस को कार्यकुशलता से चलाते हैं बल्कि ये काम हमेशा मुस्कुराकर करती है। CFO ज्वेल पेरेगो कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं और अकाउंटिंग की उस्ताद भी। अंत में मैं अपने पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी किशोरावस्था में इस बात पर जोर दिया था कि जीवन में पाइपलाइनें बनाना जरूरी है क्योंकि पाइपलाइनें ही जीवन की डोर होती हैं। डैडी, आपके धैर्य और शाश्वत बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद। बर्क हेजेस की डेस्क से, आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। मेरे पिताजी 25 साल पहले गुजर गए थे लेकिन आज भी मुझे उनके साथ शाम को खेले गए शतरंज के मैच इतनी अच्छी तरह याद हैं मानो वे कल की ही बात हो। मुझे याद है कि क्वाडोर के तट पर हमारे बीच हाउस के बरामदे से प्रशांत महासागर का नज़ारा दिखता था और मैं वहाँ शतरंज की बिसात बिछाने में पिताजी की मदद करता था। मुझे याद है कि मैं सफ़ेद बुनाई तट पर लहरों को बिखरते देखता था। मुझे याद है कि नमकीन पानी की धुंध पर गुड़लक की खुशबू तैरती रहती थी। मुझे याद है कि मैं नरम पीले सूरज को भूरे सतीज के नीचे डूबते देखता था। हम अंधेरा होने तक शतरंज खेलते थे। पिताजी बोलते थे, मैं सुनता था। मुझे याद है कि सतीज को निहारते वक्त उन्होंने कई बार ये वाक्य बोला था, कभी किसी चीज़ को स्थाई मानकर न चले। एक ही दिन में राजा से रंक, कभी किसी चीज़ को स्थाई मानकर न चले। पिताजी 1959 का जिक्र कर रहे थे जब कास्त्रो ने क्यूबा पर कब्जा किया था। इस क्रांति से पहले पिताजी क्यूबा के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। टाइम पत्रिका के एक लेख के अनुसार पिताजी की नेटवर्थ $20 मिलियन से ज़्यादा थी, जो आज के डॉलरों में कम से कम $200 मिलियन होगी। वे 12 अलग अलग व्यवसायों के मालिक थे जिनमें कपास की मिल, रिटेल स्टोर, टेक्सटाइल मिल, रसायन बनाने वाला कारखाना और कमर्शियल रियल इस्टेट शामिल थे। जब कास्त्रो ने सत्ता हथिया ली तो मेरे पिताजी खाली हाथ कोरे कपड़ों में भागकर जमैका पहुंचे। कास्त्रो ने पिताजी के व्यवसायों और बैंक खातों पर कब्जा कर लिया। साम्यवादियों का कहना था कि यह लोगों के खिलाफ अपराध की सजा है। पिताजी का एकमात्र अपराध यह था कि वे सफल थे और फिर उस सफलता को स्थायी मानकर चले थे। अतीत को देखने पर यह स्पष्ट नजर आता है कि उन्हें अपनी कुछ संपत्तियां देश के बाहर पहुंचा देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे यह मानकर चल रहे थे कि कास्त्रो कभी सरकार नहीं गिरा पाएंगे। पिताजी का अंदाज गलत निकला और उन्हें अपनी दौलत गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी।
पाइपलाइनों की चेतावनी। पिताजी ने दोबारा दौलत बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुरी अर्थव्यवस्था और रोगी हृदय ने उनकी वापसी नहीं होने दी। अपने अंतिम दिनों में वे कटु नहीं थे, वे तो बस निराश थे कि उनका समय खत्म हो गया था। शतरंज खेलते समय पिताजी ने मुझे वे मुख्य बिंदु सिखाने की पूरी कोशिश की जिनकी बदौलत वे 50 साल से भी कम उम्र में दौलतमंद बन सके थे। पिताजी अक्सर अपने खुद के व्यवसायों के मालिक बनने के महत्व पर उपदेश देते थे। स्वामित्व का मतलब है स्वतंत्रता और नियंत्रता। पिताजी मानते थे कि आपके पास जितने ज़्यादा व्यवसाय होते हैं उतनी ही अच्छा रहता है। वे कहा करते थे कि आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। मेरे पिताजी की नसीहत को दिल में उतार लिया मैंने अपना पहला व्यवसाय 25 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। आज मैं तीव्र विकास करने वाली कई व्यवसायों का मालिक हूँ। विडंबना देखें, मेरी एक कंपनी इक्विबोर पाइपलाइन व्यवसाय में है। सचमुच इक्विबोर जमीन के नीचे पाइप बिछाती है। इन पाइपों का इस्तेमाल पुरानी अर्थव्यवस्था की यूटिलिटी कंपनियाँ गैस और पानी की पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए करती हैं। नई अर्थव्यवस्था की टेलीकॉम कंपनियां इन पाइपों का इस्तेमाल अपने फाइबर ऑप्टिकल केबलों के लिए करती है जो भविष्य की पाइपलाइनें हैं। मेरे अमीर डैडी उनके अमीर डैडी। पिताजी विविधता से बहुत विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने 12 अलग अलग तरह के व्यवसाय किए। अगर आपके पास सिर्फ एक ही पाइपलाइन है तो आपके पास जीवन की एक ही डोर है। वे शतरंज में मेरे मोहरे को पीटते हुए कहा करते थे, आपके पास जितनी ज़्यादा पाइपलाइनें हो उतना ही बेहतर है। कुछ महीने पहले मैंने रॉबर्ट कियोसाकी का एक ऑडियो टेप देखा, व्हाट माय रिच डैड टॉट मी अबाउट इन्वेस्टिंग। इसमें कियोसाकी ने दो युवकों की छोटी सी कहानी बताई। इन युवकों को एक मील दूर की झील से उनके गांव तक पानी पहुंचाने की नौकरी मिली। पानी ले जाने के लिए एक युवक ने बाल्टियों का इस्तेमाल किया, दूसरे युवक ने पाइपलाइन बना ली। लंबे समय में पाइपलाइन बनाने वाला युवक बाल्टी ढोने वाले युवक से ज्यादा सफल हुआ। कियोसाकी का ऑडियो सुनकर मुझे वे सबक याद आ गए जो पिताजी ने मुझे 25 साल पहले सिखाए थे। उस शाम घर पहुंचने मैंने एक नई पुस्तक के लिए 10 पेज के नोट्स लिख डाले। इनमें मैंने पाइपलाइन को जीवन की डोर बताकर पाठकों से आग्रह किया था कि वे अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों पाइपलाइनें बनाए ताकि उनकी आमदनी की नदियां अलग अलग जगहों से आए। मैंने इस पुस्तक का शीर्षक रखा है द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। 3 महीने बाद मैंने प्रकाशन को उस पुस्तक की पांडुलिपियां थमा दी जिसे आप अपने हाथों में थामे हुए हैं, अपनी खुद की पाइपलाइनें बनाना। इतने वर्षों में मैंने पिताजी की सलाह पर चलकर कई लाभदायक पाइपलाइनें बनाई। उसकी तरह मैं 12 व्यवसाय का मालिक नहीं हूं, न ही उनकी तरह नेटवर्थ अब तक $20 मिलियन हुई है, लेकिन मैं इस दिशा में काम कर रहा हूं। पाइपलाइनें लोगों की जेब में पैसे पहुंचाकर उनके जीवन से चिंता को दूर करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन सबसे बढ़कर पाइपलाइनें इसलिए बनाई गई हैं ताकि लोगों को व्यक्तिगत और विशेष स्वतंत्रता तथा आजीवन सुरक्षा मिल सके। संक्षेप में, पाइपलाइनें जीवन की डोर है। एक तानाशाह ने मेरे पिता की जीवन की डोर छीन ली थी और वे इससे कभी नहीं उबर पाए। अमेरिका में लोगों को वरदान है कि हमारे जीवन की डोर कभी कोई तानाशाह नहीं छीन सकता, सिर्फ हम ही खुद से जीवन की डोर छीन सकते हैं। कैसे? उन्हें बनाने के कदम न उठाकर। मेरे पिताजी के जीवन में सबक ले, यह मानकर न चले कि आने वाला कल भी आज जैसा ही होगा, क्योंकि यह नहीं होगा। एकमात्र सुरक्षा पाइपलाइन की सुरक्षा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आज ही अपनी पाइपलाइनें बनाना शुरू कर दें ताकि आने वाले कल में आपके पास आपके जीवन की डोर हो। प्रस्तावना। १८०१ मध्य इटली की घाटी। यह सन 1801 की बात है। इटली के एक छोटे गांव में पाल्वो और ब्रूनो नाम के दो महत्वाकांक्षी युवा कजिन अगल बगल में रहते थे। दोनों पक्के दोस्त और दोनों बड़े सपने देखते थे। वे लगातार बातें करते थे कि किसी दिन किसी न किसी तरह वे गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। वे दोनों ही प्रतिभाशाली भी थे और मेहनती भी, उन्हें तो बस एक अवसर की जरूरत थी। एक दिन उन्हें वह अवसर मिल गया। गांव वालों ने दो आदमियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया जो नज़दीक की नदी से पानी लाकर शहर के हौज में चौक के हौज में डाले। यह नौकरी पाब्लो और ब्रूनो को मिल गई। दोनों ने एक एक बाल्टी पकड़ी और नदी की तरफ चल दिए। शाम तक उन्होंने शहर के हौज को लबालब भर दिया। गांव के मुखिया ने उन्हें पानी की हर बाल्टी के लिए एक पेनी का भुगतान किया। हमारा सपना सच हो गया, ब्रूनो चिल्लाया, मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन पाब्लो को इतना यकीन नहीं था। भारी बाल्टी ढोने की वजह से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था।
और उनके हाथों में थाले पड़ गए थे। अगली सुबह फिर उन्हें ढोने की बात सोचकर ही उसे दहशत हो रही थी। उसने संकल्प लिया कि वह नदी गांव तक पानी लाने का कोई अच्छा उपाय सोचेगा। पाब्लो बना पाइपलाइन पुरुष। जब वे दोनों अगली सुबह अपनी अपनी बाल्टियां उठाकर नदी की तरफ जाने लगे तो पाब्लो ने कहा, ब्रूनो मेरे पास एक योजना है। चंद सिक्कों के बदले में दिन भर बाल्टियां ढोने के बजाय क्यों ना हम नदी से गांव तक पाइपलाइन बना ले। ब्रूनो चलते चलते एकदम रुक गया। पाइपलाइन, ऐसा किसने सुना है, ब्रूनो चिल्लाया। पाब्लो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है। मैं एक दिन में 100 बाल्टियां उठा सकता हूँ। एक बाल्टी के बदले एक पेनी मिलती है, यानी दिन भर में $1, यानी मैं धन्ना सेठ हूँ। सप्ताह भर में मैं जूतों की नई जोड़ी खरीद सकता हूँ और महीने भर में गाय खरीद सकता हूँ। 6 महीनों में मैं नई झोपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास इस शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। देखो, हमें वीकेंड में छुट्टी मिलती है और हर साल 2 सप्ताह की सवैतनिक वेकेशन भी मिलती है। हम जिंदगी भर के लिए सही जगह पहुंच चुके हैं। अपनी पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को पाइपलाइन की योजना धैर्य से समझाई। पाब्लो दिन के आधे हिस्से में बाल्टी ढोने का काम करेगा, दिन के बाकी आधे हिस्से में तथा वीकेंड में अपनी पाइपलाइन बनाएगा। पाब्लो जानता था कि पथरीली जमीन में नाली खोदने में बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि उसे ढोई गई बाल्टियों की संख्या के हिसाब से वेतन मिल रहा था। इसलिए वह जानता था कि उसकी आमदनी पहले पहल कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइन से अच्छा मुनाफा होने में 1 या 2 साल लग जाएंगे। ब्रूनो नहीं माना, लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर विश्वास था, इसलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले पाब्लो को हंसी उड़ाने लगे। वे उसे मजाक में पाब्लो पाइपलाइन पुरुष कहते थे। ब्रूनो पाब्लो से दुगुना काम कर रहा था, इसलिए वह लगभग दुगने पैसे भी कमा रहा था। वह अपनी नई खरीदी चीज़ों की शान झाड़ता रहता था। उसने चमड़े की नई काठी वाला एक गधा खरीद लिया जो उसकी नई 2 मंजिला झोंपड़ी के बाहर खड़ा रहता था। उसने नए कपड़े खरीदे। वह सराय में लजीज भोजन करने लगा। गांव वाले उसे मिस्टर ब्रूनो कहते थे, और जब वह शराब खाने में मौजूद सभी लोगों को अपनी तरफ से एक गिलास शराब पिलाता था तो वे सभी उसकी तारीफों के पुल बांधते थे और उससे मजाक पर जमकर हंसते थे। छोटे काम यानी बड़े परिणाम। जब ब्रूनो शाम को तथा वीकेंड में अपनी जालीदार झूले में लेटा रहता था तब पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। पहले कुछ महीनों में तो पाब्लो की मेहनत का कोई फल नहीं मिला। काम मुश्किल था, ब्रूनो के काम से भी ज़्यादा मुश्किल। लेकिन पाब्लो शाम को और वीकेंड में भी काम कर रहा था। लेकिन पाब्लो खुद को बार बार याद दिलाता रहा कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। हर दिन वह खुदाई करता, एक बार में 1 इंच, 1-1 इंच करके यह बहुत आसान है। पथरीली जमीन पर कुदाली चलाते समय वह खुद से बोलता, 1-1 इंच 1 फुट में बदल जाता है, फिर 10 फुट, 20 फुट और 100 फुट में। अल्पकालीन कष्ट का मतलब है दीर्घकालीन लाभ। वह खुद को याद दिलाता था जब वह दिन भर के काम के बाद थका मादा अपनी सामान्य झोपड़ी में घुसता था। वह अपनी सफलता को मापने के लिए हर दिन के लक्ष्य तय करता था और देखता था कि वे पूरे हुए हैं या नहीं। वह यह बात जानता था कि आगे चलकर उसे अपने प्रयासों की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा पुरस्कार मिलेगा। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखो, उसने बार बार दोहराया। जब वह गांव के शराब खाने से आती हुई हंसी की आवाज़ें सुनते हुए सो गया, अपनी निगाह पुरस्कार पर रखो, नीचे वाला पलड़ा ऊपर पहुंच जाता है। दिन महीनों में बदल गए। एक दिन पाब्लो को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी पाइपलाइन आधी पूरी हो गई है। इसका मतलब यह था कि उसे अपनी बाल्टियाँ भरने के लिए अब सिर्फ आधी दूर तक ही पैदल चलना होगा। बचने वाले समय को भी पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन पर काम करने में लगा दिया। पाइपलाइन पूरी होने की तारीख तेजी से और ज़्यादा करीब आ रही थी। पाइपलाइन बनाने के बीच आराम करते समय पाब्लो अपने पुराने दोस्त ब्रूनो को बाल्टियों ले जाते देखता था। ब्रूनो के कंधे अब काफ़ी झुक गए थे, वह दर्द में झुका हुआ था और हर दिन हमाली करने की वजह से उसकी चाल धीमी हो गई थी। अब ब्रूनो नाराज और खिन्न था। वह इस बात से चिढ़ रहा था कि वह हर दिन बाल्टियां ढोने के लिए अभिषिक्त है जिंदगी भर। अब वह अपने जालीदार झूले में कम समय बिताता था और शराब खाने में ज़्यादा समय बिताता था। शराब खाने के लोग ब्रूनो को आते देखकर फुसफुसाते थे, लो ब्रूनो बाल्टी वाला आ गया है। फिर जब शहर का अव्वल शराबी ब्रूनो की
झुकी हुई मुद्रा और पैर घसीटकर चलने वाली चाल की नकल करता था तो सभी लोग खी खी करके करने लगते थे। अब ब्रूनो सबको अपनी तरफ से एक गिलास शराब नहीं पिलाता था और न ही वह चुटकुले सुनाता था। अब तो वह खाली बोतलों से भरे अंधेरे कोने में अकेले बैठना पसंद करता था। आखिरकार पाब्लो का बड़ा दिन आ गया। पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव वालों ने आसपास भीड़ लगा ली। जब पानी पाइपलाइन से बहता हुआ गांव की होज में आ गया, अब गांव के पास ताजे पानी की स्थायी आपूर्ति हो चुकी थी, इसलिए आसपास के इलाकों के लोग उस गांव में आकर बसने लगे और इसका विकास हुआ तथा यह समृद्ध हुआ। एक बार जब पाइपलाइन पूरी हो गई तो पाब्लो को बाल्टियां ढोकर पानी लाने की कोई जरूरत नहीं रह गई। पानी बहता रहता था चाहे वह काम करे या न करे। यह तब भी बहता था जब वह खाना खाता था और यह तब भी बहता था जब वह सोता था। यह वीकेंड पर भी बहता रहता था जब वह खेलता था। गांव में जितना ज़्यादा पानी बहकर आता उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर पाब्लो की जेब में आता जाता था। पाइपलाइन वाला पाब्लो अब चमत्कारी पाब्लो के नाम से मशहूर हो गया। नेताओं ने उसकी दूरदृष्टि की प्रशंसा की और उसे मेयर का चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन पाब्लो समझता था कि उसने जो किया था वह चमत्कार नहीं, वह तो एक बड़े और बहुत बड़े सपने का सिर्फ पहला चरण है। देखिए, पाब्लो के पास ऐसी योजना थी जो उसके गाँव से बहुत बहुत आगे तक जाती थी। पाब्लो की योजना पूरे संसार की पाइपलाइनों में बनाने की थी, पूरे संसार में पाइपलाइनें बनाने की थी। मदद के लिए अपने मित्र को नियुक्त करना। पाइपलाइन आने की वजह से ब्रूनो बाल्टी वाले का काम ठप हो गया। पाब्लो को दुख होता था जब वह अपने पुराने दोस्त को शराब खाने में मुक्त शराब के लिए भीख मांगते देखता था। इसलिए पाब्लो ने ब्रूनो के साथ एक मुलाकात तय की। ब्रूनो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। ब्रूनो ने अपने झुके हुए कंधे सीधे किए और उसकी काली आंखें सिकुड़ गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ। पाब्लो ने कहा, मैं यहाँ सांस झाड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें एक बेहतरीन कारोबारी अवसर देने आया हूँ। मेरी पहली पाइपलाइन पूरी करने में मुझे 2 साल से ज़्यादा लग गए, लेकिन इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं जानता हूँ कि किन औजारों को इस्तेमाल करना है और कहाँ खोदना है और कैसे पाइप बिछाना है। रास्ते में चलते चलते मैंने नोट्स लिए हैं और एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे मैं एक और पाइपलाइन बना सकता हूँ, फिर एक और फिर एक और। मैं अकेला ही 1 साल में पाइपलाइन बना सकता हूँ, लेकिन यह मेरा समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं होगा। मेरी योजना यह है कि मैं तुम्हें और दूसरों को यह सिखा दूँ कि पाइपलाइन कैसे बनती हैं। इसके बाद तुम दूसरों को सिखाना और हम में से हर व्यक्ति दूसरों को सिखाएगा, जब तक कि इस पुस्तक के हर गाँव में पाइपलाइन न पहुँच जाए, फिर देश के हर गाँव में एक पाइपलाइन न पहुँच जाए और अंततः पूरे संसार में हर गांव में एक पाइपलाइन न पहुंच जाए। जरा सोचो, पाब्लो ने आगे कहा, हम उन पाइपलाइनों से गुजरने वाले 1 गैलन पानी के बदले में थोड़े से पैसे ले सकते हैं। पाइपलाइनों से जितना ज़्यादा पानी बहेगा हमारी जेब में उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर आएगा। मैंने जो पाइपलाइन बनाई है वह सपने का अंत नहीं, वह तो सिर्फ शुरुआत है। ब्रूनो को आखिरकार बड़ी तस्वीर दिख गई। वह मुस्कुराया। उसने अपना सख्त हाथ अपने पुराने दोस्त की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने हाथ मिलाया और फिर पुराने बिछड़े दोस्तों की तरह गले मिले। बाल्टी ढोने वाले संसार में पाइपलाइनों के सपने। वर्षों गुजर गए। पाब्लो और ब्रूनो काफ़ी पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका विश्वव्यापी व्यवसाय पाइपलाइन व्यवसाय अब भी उनके बैंक खातों में हर साल करोड़ों डॉलर बहाकर लाता है। मैंने कई बार तो देहात में यात्रा करते वक्त पाब्लो और ब्रूनो पानी की बाल्टियाँ ढोने वाले युवकों के पास से गुजरते थे। यह देखकर बचपन के दोस्त रुक जाते थे। वे युवक को अपनी कहानी बताते थे और उनकी आखिरी पाइपलाइन बनाने में उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखते थे। कुछ लोग उसकी बात सुनते थे और पाइपलाइन व्यवसाय शुरू करने के अवसर पर उछल पड़ते थे, लेकिन दुखद बात यह है कि ज़्यादातर बाल्टी ढोने वाले जल्दी पाइपलाइन के विचार को खारिज कर देते हैं। पाब्लो और ब्रूनो बार बार एक जैसे बहाने सुनते थे, मेरे पास समय नहीं है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि वह एक दोस्त को जानता है जिसने पाइपलाइन बनाने की कोशिश की थी और वह नाकाम था। जो लोग जल्दी अंदर आते हैं सिर्फ वही पाइपलाइनों से पैसा कमा पाते हैं। मैंने ज़िंदगी भर बाल्टियाँ ढोई है। मैं तो जो जानता हूँ वही करता हूँ, वही रहूँगा। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका पैसा पाइपलाइन घोटाले में डूब गया था। मैं तो यह हरगिज नहीं करूँगा। इतने सारे लोगों ने भविष्य दृष्टि का अभाव था यह देखकर पाब्लो और ब्रूनो दुखी हो जाते थे। लेकिन दोनों दोस्तों बाद में
इस तथ्य को स्वीकार कर लेते थे कि वे बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं, इसलिए बहुत कम लोग ही पाइपलाइन के सपने देखने की हिम्मत कर सकते हैं। खंड एक, हम बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं। अध्याय नंबर एक, आप कौन हैं, बाल्टी ढोने वाले, हमाल या पाइपलाइन निर्माता? ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। जब अगली सुबह वे दोनों अपनी बाल्टी लेकर नदी से पानी लाने के लिए चले तो पाब्लो ने कहा, चंद सिक्कों के बदले में दिन भर बाल्टियाँ ढोने की बजाय हम नदी से गांव तक पाइपलाइन क्यों न बना लें? ब्रूनो चलते चलते एकदम रुक गया। पाइपलाइन, ऐसा किसने सुना है? ब्रूनो चिल्लाया। आप कौन हैं, बाल्टी ढोने वाले हमाल या पाइपलाइन के निर्माता? क्या आपको सिर्फ तभी पैसा मिलता है जब आप खुद जाकर काम करते हैं, बाल्टी वाले हमाल ब्रूनो की तरह, या फिर आप एक बार काम करते हैं और आपको उसके बदले में बार बार पैसे मिलते हैं, पाइपलाइन निर्माता पाब्लो की तरह? अगर आप ज़्यादातर लोगों जैसे हैं तो आप बाल्टी ढोने वाले योजना पर काम कर रहे हैं। मैं इसे समय के बदले पैसे का जाल कहता हूँ। आप समीकरण जानते हैं, एक घंटे के काम के बदले एक घंटे का भुगतान, एक महीने के काम के बदले एक महीने का भुगतान, एक साल के काम के बदले एक साल का भुगतान, जाना पहचाना लगता है। बाल्टी ढोने के साथ समस्या यह है कि जब बाल्टी ढोना बंद हो जाता है तो पैसा आना बंद हो जाता है, जिसका मतलब है कि सुरक्षित नौकरी या सपनों की नौकरी सिर्फ एक मुगलता है। बाल्टियाँ ढोने का अंदरूनी खतरा यह है कि आमदनी निरंतर नहीं, अस्थायी होती है। अगर ब्रूनो किसी दिन सुबह उठे और उसकी पीठ अकड़ी हुई हो और वह बिस्तर से न उठ पाए तो उस दिन कितने पैसे कमाएगा? सुनने, कोई काम नहीं तो कोई दाम नहीं, यह बाल्टी ढोने वाली हर नौकरी में होता है। जब आप बाल्टी ढोने वाले अपनी मेडिकल छुट्टियां या वेकेशन की छुट्टियों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद अगर वे बाल्टियाँ नहीं ढोएंगे तो उन्हें वेतन का चेक नहीं मिलेगा। गणित बहुत सरल है, कोई बाल्टी नहीं, कोई भुगतान नहीं। दंत चिकित्सक अब बाल्टियाँ नहीं ढो सकती। यह असल जिंदगी का एक उदाहरण है। मेरी पुरानी दंत चिकित्सक वह सबसे अच्छी दंत चिकित्सक थी जिसके पास मैं कभी गया था। वह बेहद पेशेवर थी, इलाज का बहुत कुशल तरीका था, बेहतरीन व्यक्तित्व था, बेहतरीन तकनीशियन थी। हर बार इलाज लगभग दर्द रहित होता था। इसके अलावा वह अपने काम से प्यार करती थी, अपने काम के घंटे खुद तय करती थी। वह जिस काम से प्यार करती थी उसे सप्ताह में 3 दिन करके वह साल भर में $1,00,000 से ज़्यादा कमा लेती थी। यह बाल्टी ढोने वाले हमालों को सपनों की नौकरी थी, बशर्ते ऐसी कोई चीज़ कभी हो सकती हो। एक समस्या, 40 की उम्र से पहले उसके हाथों में गठिया रोग हो गया जिसकी वजह से वह दंत चिकित्सा नहीं रह सकती थी। आज वह एक स्थानीय यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। वह दंत चिकित्सा के रूप में जितना कमाती थी उसका सिर्फ 1/3 कमा रही है, उसमें उसका कोई दोष नहीं, लेकिन उसके सपनों की नौकरी अब गायब हो गई थी। अब क्या आप समझ सकते हैं कि मैं यह बात क्यों कहता हूँ कि एक बाल्टी ढोने वाली सुरक्षित नौकरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है? क्या आप देख सकते हैं कि बाल्टी ढोने वाले लोग कितने असुरक्षित हैं? समय के बदले पैसे के जाल में समस्या यह है कि अगर आप समय नहीं बेच सकते तो आपको पैसा भी नहीं मिल सकता। पाइपलाइन निर्माता पाब्लो ने बाल्टी की सीमाओं को जल्दी ही पहचान लिया और वह एक ऐसा सिस्टम बनाने निकला जिसका मदद से उसे पैसे मिलते रहे, चाहे वह आगे चलकर काम में समय लगाए या न लगाए। पाब्लो समझता था कि बाल्टी ढोने के काम में कोई सुरक्षा नहीं है। वह यह बात समझता था कि पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं, अगर आप समय नहीं दे पाए तो आपके साथ क्या होगा, आपके बारे में आप क्या करेंगे? अगर आपकी आमदनी कल रुक जाए, क्या होगा अगर आपकी छटनी हो जाए, क्या होगा अगर आप बीमार पड़ जाएं या अपाहिज हो जाएं और बाल्टियां न ढो पाएं, क्या होगा अगर कोई आपातकालीन बीमारी आपकी बचत खा जाए, क्या होगा अगर भविष्य के लिए रखी आपकी जमा पूंजी रातों रात गायब हो जाए? अगर आपकी आमदनी कल रुक जाती है तो आप कितने लंबे समय तक अपने हाउस लोन की किस्त चुका सकते हैं, अपनी कार की किस्त चुका सकते हैं या अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं? 6 महीने 3 महीने 3 सप्ताह, यह वित्तीय हमला करती है, यह विपत्ति हमला करती है, तो क्या आपके पास जीवन की वह डोर है जो आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगी, या फिर आप इस मुगालते में
जी रहे हैं कि बाल्टी ढोने वाला काम बगैर रुके तब तक चलता रहेगा जब तक आपको आमदनी की ज़रूरत होगी। चाहे झाड़ू वाला काम करते हो, काम कागज़ कलम वाला काम करते हैं या पेशेवर काम करते हो, आप समय की एक इकाई खर्च करके पैसे की एक इकाई प्राप्त कर रहे हैं। इसमें सुरक्षा कहाँ है? पाइपलाइन तब भी पैसा देती है जब आप खेलते हैं। जैसा पाब्लो ने कहा था, कोई बेहतरीन तरीका होना चाहिए। सौभाग्य से बेहतरीन तरीका है। इसे पाइपलाइन आमदनी निरंतर अतिरिक्त आय कहा जाता है, जो हमेशा मिलती रहती है चाहे आप समय दें या न दें। सच्ची सुरक्षा पाने का एकमात्र तरीका वही है जो पाब्लो ने दिया था। जब खंड दो, आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। अध्याय नंबर 3, पाइपलाइन की शक्ति। हम दो विपरीत ध्रुवों की कहानी है। यह दो विपरीत ध्रुवों की कहानी है। एक तरफ है एक मशहूर बॉसबेल खिलाड़ी और दूसरी तरफ एक छोटे कस्बे की प्राथमिक स्कूल टीचर। इससे ज़्यादा अलग दो व्यक्ति नहीं हो सकते। एक युवक था और दूसरी बुजुर्ग महिला। एक को हर साल करोड़ों डॉलर मिलते थे जबकि दूसरे ने कभी $10,000 से ज़्यादा नहीं कमाए थे। एक लोकप्रियता की चमक दमक में शान शौकत से जीता था जबकि महिला मैसेचुसेट्स के एक छोटे कस्बे में ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन ये अंतर छोटे हैं, इससे बड़े अंतर तो उनके चुने हुए व्यक्तिगत और वित्तीय विकल्पों में थे। देखिए, आप जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनमें से एक पाइपलाइनें बनाकर मल्टी मिलियनर रिटायर हुआ, दूसरा बाल्टी ढोने वाला बना रहा और यह लिखते समय वह दिवालियापन की कगार पर झूल रहा था। ये कहानियाँ दो बहुत अलग अलग लोगों के बारे में हैं, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। ज़्यादा महत्वपूर्ण तो उनके चुने हुए विकल्प हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण तो वे सबक हैं जो आप इन चुनावों से सीख सकते हैं। इन दोनों कहानियों को जानने के बाद यह एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पाइपलाइनें बनाना सच्ची सुरक्षा और सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने का एकमात्र तरीका क्यों है। बेसबॉल खिलाड़ी की महागाथा। आइए मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी की एक कहानी से शुरुआत करते हैं। लंबे समय तक इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने कुछ बुरे विकल्प चुने, व्यक्तिगत भी और वित्तीय भी। उसके व्यक्तिगत चुनाव का परिणाम स्पष्ट था, टूटा हुआ वैवाहिक संबंध, शराबखोरी की लत, नशे की लत। यह अपने आप में पर्याप्त बुरा है, लेकिन उसके विपरीत चुनाव भी उतने ही बुरे रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में वह कड़का है। मुझे यकीन है कि आपने इस खिलाड़ी के बारे में सुना होगा। वह लगभग 20 साल से लोकप्रियता की चमक दमक में रहा है। उसका नाम है डेरिल स्ट्रॉबेरी। उसकी कहानी हमें आगाह करती है कि वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। डेरिल स्ट्रॉबेरी का लगभग आधा जीवन पेशेवर बेसबॉल खेलते गुजरा है। यह 38 वर्षीय आउटफील्डर किशोरावस्था में ही बड़ी लीग में खेलने लगा था और उसे तुरंत ही अगला टेड विलियम्स घोषित कर दिया गया था। स्ट्रॉबेरी ने अपने कैरियर में भारी दौलत कमाई, हर साल $2 से $5 मिलियन के बीच। यह तो सिर्फ बेसबॉल खेलने से ही होने वाली आमदनी थी। इसके अलावा विज्ञापनों, व्यक्तिगत उपस्थितियों वाले कार्यक्रमों, भाषणों, ऑटोग्राफ, दस्तक के भी हर साल $2 मिलियन जोड़ दें तो इस तरह कुल मिलाकर वे अपने 40वें जन्मदिन से पहले वह 40 से 50 से 100 मिलियन कमा चुका है। स्ट्रॉबेरी हमेशा नहीं खेलता है। इससे ज़्यादा पैसे कमाने वाले आदमी की पूरी ज़िंदगी शान और शौकत में गुजरेगी। सही है, गलत। एक स्थानीय अखबार में खबर छपी थी, स्ट्रॉबेरी के पास अपनी वर्तमान पत्नी कैरिस और उसके 3 बच्चों को सहारा देने के लिए कोई आमदनी या बचत नहीं है। $100 मिलियन कमाए और उसमें से कुछ भी नहीं बचाया, हुआ क्या आखिर? उसने सब कुछ खर्च कर दिया। महंगे मकान, महंगी कारें, कानूनी विवादों से रक्षा करने के लिए महंगे वकील, महंगा तलाक, नशे और शराब के महंगे पुनर्वास क्लिनिक। जब मैं ये लिख रहा हूँ तो स्ट्रॉबेरी को बॉसबेल खेलने से निलंबित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उसके पास कोई आमदनी नहीं आ रही। जो एकमात्र चीज़ अब भी आ रही है वे हैं बिल, और बिल हर दिन हर महीने उसी तरह लगातार आ रहे हैं जिस तरह मानसून में बारिश आती है। मिलियनर
कैसे बने। दूसरी कहानी का अंत काफ़ी अलग है। एक छोटे से कस्बे में रहने वाली मार्गरेट ओडोनेल नामक टीचर की कहानी है। इस कहानी में यह साबित होता है कि बड़ी पाइपलाइनें बनाने के लिए आपको बड़ी बाल्टियाँ ढोने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमती ओडोनेल ने 50 साल से ज़्यादा समय तक स्कूल में पढ़ाया, जबकि 70 की उम्र के बाद वह रिटायर हुई तो वह हर साल लगभग $8,500 कमा रही थी। लेकिन 100 वर्ष की उम्र में अपनी मृत्यु के समय वह 10 अलग अलग परोपकारी संस्थाओं को लगभग दो मिलियन डॉलर छोड़कर गई, जिसमें उसका खर्च, उसकी पढ़ाई कराने वाले स्कूल और बॉय स्काउट ग्रुप शामिल थे। $10,000 प्रति वर्ष से भी कम आमदनी वाली महिला इतनी भारी दौलत कैसे इकट्ठी कर सकती थी? आसान है, उसने अच्छे शेयरों से नियमित मासिक निवेश करके दीर्घकालीन निवेश पाइपलाइनें बनाई और इसे समय के साथ चक्रवर्ती होने दिया। मार्गरेट को शेयरों में मज़ा आता था। उनके ब्रोकर बॉब वोलांस्के ने कहा था, पहली बार जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने मेरी डेस्क पर 3 कागज़ फेंक कर कहा था, मैं इन कुत्तों के साथ क्या करूं? वे उन शेयरों के बारे में बोल रही थी जो अच्छे नहीं चल रहे थे। अगले 20 साल तक मार्गरेट का पोर्टफोलियो फलता फूलता रहा। इसमें ब्लू चिप शेयरों, कर मुक्त बॉन्ड, यूटिलिटी स्टॉक्स का संग्रह शामिल था जो मृत्यु तक उनके पास रहा। उन्होंने अपने किसी भी निवेश को शायद ही कभी छुआ, लेकिन वह अपनी रिटायरमेंट पाइपलाइनों को साल दर साल बनाने में जुटी रही। छोटे त्याग, बड़े परिणाम। अब अगर आप यह सोच रहे हो कि मार्गरेट उन पाइपलाइन बचाने वाली कुंवारी महिलाओं जैसी थी जो कूपन काटती है और उपयोग किए हुए टी बैग बचाती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। वह प्राय सहेलियों के साथ बाहर खाना खाने जाती थी, नई बाइक चलाती थी और प्राय लंबी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए विमान से यूरोप जाती रहती थी। इस महिला ने खुद को जीवन के आनंदों से वंचित नहीं किया, लेकिन उन्होंने खर्च में अनुशासन संयम का परिचय दिया। उसने हर महीने बचत की, हर महीने निवेश किया, रिटायरमेंट के बाद भी। देखिए, मार्गरेट दीर्घकालीन पाइपलाइन निर्माता का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने 20 साल की उम्र के बाद ही बचत और निवेश शुरू कर दिया था और वह 100 साल की उम्र में अपने मृत्यु तक यही करती रही। पाब्लो की तरह पाइपलाइन निर्माताओं को पहले कुछ दिनों, महीनों और वर्षों में अपने प्रयासों से ज़्यादा फल नहीं मिलते, लेकिन समय के साथ निरंतरता और अनुशासित प्रयास छोटे छोटे योगदानों को भारी लाभ में बदल सकते हैं। पाइपलाइनें तब भी पानी लाती हैं जब बाल्टियाँ सूख जाती हैं। अब आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। जब मैंने पाइपलाइन की शक्ति के बारे में बात की थी, डेरिल स्ट्रॉबेरी वर्षों तक एक बड़ी बाल्टी ढोते रहे, लेकिन आज उसके पास दिखाने के लिए क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ कैंसल चेकों के बक्से। और स्ट्रॉबेरी के पास पाइपलाइन बनाने के लिए 20 साल थे। अगर उसने अपनी सिर्फ 10% आमदनी बचाई होती तो शेयर बाजार में निवेश करके पाइपलाइन बना ली होती तो आज उसके पास $20 मिलियन और $100 मिलियन के बीच का जीवन की डोर होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। स्ट्रॉबेरी ये मानकर चल रहा था कि उसकी बड़ी बाल्टी कभी नहीं सूखेगी। यह बहुत बड़ा मुगालता था, गलत धारणा थी। बाल्टियाँ खुद ब खुद नहीं भरती हैं, चाहे वे कितनी ही बड़ी क्यों न हो। इसलिए बाल्टी ढोने वालों को इसे दोबारा भरने के लिए नदी तक जाना होता है। जब वह ढोना छोड़ देता है रिटायरमेंट की वजह से, या बीमारी, चोट या दीर्घकालीन थकान की वजह से, तो बाल्टियाँ सूखने लगती हैं। दूसरी ओर पाइपलाइनें बाल्टियों के सूखने के लंबे समय बाद भी मुनाफा देती रहती हैं। यह नियम बड़ी बाल्टी ढोने वालों के लिए भी उतना ही सच है जितना कि छोटी बाल्टी ढोने वालों के लिए। मैंने कहा है बाल्टी का आकार महत्वपूर्ण नहीं होता है। बड़ी बाल्टी वाले लोगों में ज़्यादा खर्च की प्रवृत्ति होती है। वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी यह है कि पाइपलाइन निर्माता की मानसिकता अपनाएं, फिर अपनी पाइपलाइन योजना पर काम करें। बाल्टी जितनी ज़्यादा छोटी होती है, पाइपलाइन की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा होती है। ढेर सारे पैसे कमाना वित्तीय स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है, यह सिर्फ पाइपलाइनों से ही संभव है। अगर आप पाइपलाइन रणनीति नहीं अपनाते तो आपकी बाल्टी अंततः सूख जाएगी। मैंने आपको डेरिल स्ट्रॉबेरी की कहानी एक बिंदु को अतिरंजित करने के लिए बताई है। देखिए, अगर डेरिल स्ट्रॉबेरी की इतनी बड़ी बाल्टी सूख सकती है
तो आपकी बाल्टी का क्या होगा? इस बारे में सोचे। स्ट्रॉबेरी एक वेतन से दूसरे वेतन तक जीता था। आपकी स्थिति कैसी है? स्ट्रॉबेरी ने इस तरह काम किया था मानो उसके बाल्टी ढोने वाले दिन कभी ख़त्म नहीं होंगे। आपकी स्थिति कैसी है? स्ट्रॉबेरी ने मूर्खता से पैसा खर्च किया और समय बर्बाद किया, जबकि वह इसका समझदारी से इस्तेमाल करके जीवन की डोर बना सकता था। आपकी स्थिति कैसी है? निश्चित रूप से स्ट्रॉबेरी ने कुछ बुरे विकल्प चुने जिसकी वजह से उसके बहुत सारे पैसे बर्बाद हुए, लेकिन उसका सबसे बुरा वित्तीय चुनाव यह था कि उसने कभी पाइपलाइन बनाने की कोशिश नहीं की। यह अक्षम्य है, वह सोच क्या रहा था? दूसरी ओर मार्गरेट ओडोनेल ने जब बाल्टी ढो रही थी तब उसने समझदारी से पाइपलाइनें बना ली। जब उसके बाल्टी ढोने वाले दिन ख़त्म हुए तब भी उसकी पाइपलाइनें काम कर रही थी। पैसा बहकर उसके पास आ रहा था। अब चुनने की आपकी बारी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किसके जैसी आर्थिक स्थिति चाहेंगे, डेरिल स्ट्रॉबेरी की या मार्गरेट ओडोनेल की? अगर जवाब मार्गरेट ओडोनेल है तो आपको तुरंत ही अपनी पाइपलाइनें बनाना शुरू करने की ज़रूरत है। पाइपलाइनें जीवन की डोर है, इसलिए क्योंकि वे लगातार खुद ब खुद काम करती हैं। इन्हें समय समय पर देखभाल की ज़रूरत हो सकती है और मरम्मत की, शायद दोबारा बनाने के लिए भी। लेकिन पाइपलाइनें साल दर साल आपको मुनाफा देती रहती हैं। डेरिल स्ट्रॉबेरी और मार्गरेट ओडोनेल के पास एक विकल्प था। डेरिल स्ट्रॉबेरी ने बाल्टियों को चुना और मार्गरेट ओडोनेल ने पाइपलाइनों को चुना। उन्होंने अपने विकल्प चुन लिए। अब विकल्प चुनने की बारी आपकी है। अध्याय नंबर 4, लीवरेज पाइपलाइन के पीछे की शक्ति है। लीवरेज एक जबरदस्त अवधारणा है, सभ्यता को बदलने वाली अवधारणा। वास्तव में लीवरेज के बिना इस समय यह पुस्तक अपने हाथों में नहीं होती। मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दे। 1440 में योहानस गुटेनबर्ग नामक एक युवा जर्मन उद्यमी ने वाइन प्रेस को विश्व की पहली वाणिज्यिक प्रिंटिंग प्रेस में बदल दिया। उन्होंने गुटेनबर्ग बाइबल की 180 प्रतियां छापी और कुछ ही दिनों में वे सभी बिक गई। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस तुरंत सफल हो गई। कुछ ही दशक में पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेसें कुकुरमुत्तों की तरह जग गई। 16वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में 80 लाख पुस्तकें छप चुकी थी, जो पिछले हजारों सालों में प्रकाशित पुस्तकों से 10 गुना ज़्यादा संख्या थी। बाल्टी ढोने वाले की पुस्तकें बनाम पाइपलाइन निर्माताओं की पुस्तकें। गुटेनबर्ग प्रेस ने बाल्टियां ढोने वाली पुस्तकों के पैराडाइम को तोड़ दिया। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस में आने से पहले लेखक और मठवासी पुस्तकों की हाथ से लिखकर पुस्तक तैयार करने में एक या कई साल लग सकते थे। इसके अलावा वे इतनी महंगी होती थी कि सिर्फ राजघराने ही उन्हें खरीद सकते थे। गुटेनबर्ग ने इस सब को बदल दिया। प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटर जब एक बार मूवेबल टाइप सेट कर देता था तो उसके बाद वह आसानी से हजारों हुबहू प्रतिपिया छाप सकता था। प्रिंटिंग प्रेस ने प्रिंटिंग के समय धन की लीवरेजिंग करके उसकी उत्पादकता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। बाल्टी ढोने वाले लोग के पुस्तकों के मॉडल में प्रयास परिणाम के बीच एक एक का अनुपात होता है। एक घंटे में एक प्रयास से एक घंटे का परिणाम उत्पन्न होता है। अगर किसी लेखक को हाथ से एक पेज नकल करने में एक दिन लगता है तो 100 पेज की नकल कि पुस्तक लिखने में उसे 100 दिन लगेंगे। प्रिंटिंग प्रेस का आगमन पाइपलाइन बनाने वाला मॉडल, आइए मान लेते हैं कि 16वीं सदी के प्रिंटर को एक पेज की टाइप सेटिंग करने में एक दिन लगता है तो दिन खत्म होने तक वह केवल एक प्रिंट सेट प्रूफ कॉपी ही तैयार कर सकता है। लेकिन जरा देखें कि दूसरे दिन क्या होगा। प्रिंटर काम पर आया और उन्होंने 100 प्रतियां छाप दी। दूसरे शब्दों में प्रिंटर 2 ही दिनों में इतना उत्पादन कर सकता है जितने लेखक को 100 दिनों में समय लगा। यह है लीवरेजिंग की शक्ति। वाहन निर्माता मॉडल में प्रयास परिवहन परिणाम का आसानी अनुपात अब एक एक का नहीं रह गया। अब हम लीवरेज का इस्तेमाल करके तो प्रयास उतना ही रहता है, लेकिन परिणाम 100 गुना ज़्यादा हो सकता है, हजार गुना भी और मिलियनों गुना भी। 2 प्रकार का लीवरेज, समय और धन। लीवरेज
का मूल शब्द है लीवर, एक पुराने फ्रांसीसी शब्द से आया है जिसका मतलब है ज़्यादा हल्का बनाना, जो लीवरेज की शक्ति का सही वर्णन करता है। लीवर का उपयोग करके किसी बड़े बोझ को इतना हल्का बनाया जा सकता है कि कोई बच्चा भी उसे आसानी से हिला सकता हो। जब हम समय और धन के क्षेत्र में लीवरेजिंग के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं तो यही चीज़ होती है, परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर समय की लीवरेजिंग के प्रकरण में 1 घंटे के प्रयास का परिणाम 100 घंटों का उत्पादन हो सकता है, 1 सप्ताह के काम का परिणाम 1 साल का उत्पादन हो सकता है। पैसे की लीवरेजिंग के प्रकरण में हर निवेशित डॉलर समय के साथ चक्रवर्ती हो सकती है और अंत शुरुआती निवेश से कई गुना हो सकती है। लीवरेज के आदर्श उदाहरण, प्रिंटिंग प्रेस इस बात का उदाहरण है कि लोग अपने समय, धन, प्रयासों की लीवरेजिंग कैसे कर सकते हैं। लीवरेज पैसे की एक इकाई के बदले समय की एक इकाई के समीकरण को तोड़ देता है। लीवरेज लोगों को ज़्यादा मेहनत के बजाय ज़्यादा चतुराई से काम करने की अनुमति देता है। यही हर पाइपलाइन के पीछे की शक्ति है, समय की लीवरेजिंग। समय की लीवरेजिंग का आदर्श उदाहरण कर्मचारियों को नियुक्त करना है। आइए मान लेते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। आपके लिए यह संभव नहीं है कि आप मेज़बान, वेटर, शेफ, बर्तन धोने वाले और कुकर, बुक कीपर के रूप में काम करें। इसके बावजूद एक लाभदायक व्यवसाय चलाएं, आप एक समय में सिर्फ एक ही जगह रह सकते हैं। इसलिए आप निश्चित काम करने के लिए लोगों को नौकरी पर रखें। यदि आप अपने 10 लोगों के स्टाफ के प्रति घंटे औसतन $10 देते हैं, तो आप यदि प्रति घंटे $100 वेतन दे रहे हैं, यदि आपका रेस्टोरेंट प्रति घंटे औसतन $1,000 कमाता है, तो खर्च निकालने के बाद सारा पैसा आपकी जेब में जाता है। किसी छोटे व्यवसाय में समय की लीवरेजिंग, पैसे की लीवरेजिंग करना। पैसे की लीवरेजिंग का आदर्श उदाहरण शेयर बाजार में निवेश करना है। निसंदेह आपने वॉरेन बफे के बारे में सुना होगा। यह वॉल स्ट्रीट की एक जीवित किंवदंती है जिस और संसार के दूसरे या तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं जिन्होंने अपनी दौलत पुरातन पंथी तरीके से बनाई है। उन्होंने दूसरे लोगों के पैसे की लीवरेजिंग की और इस प्रक्रिया में खुद को और अपने निवेशकों को अमीर बना दिया। कितने अमीर, इनकी जांच कर ले। यदि आप 1965 में बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे के शेयरों में $10,000 का निवेश करते और इसे साल दर साल बढ़ने देते, तो 1998 तक आपके निवेश का मूल्य अपने दिनों दिल को संभाले $51 million होता। आप इस पाइपलाइन के मालिक बनना कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। 33 साल पहले बर्कशायर हैथवे का एक शेयर सिर्फ $19 में मिलता था। 1998 के अंत तक वह एक शेयर $70,000 में मिलता है, जिसका मतलब है कि अगर 1965 में $300 का निवेश करते तो आज आप $1 million के मालिक होते। अविश्वसनीय पाइपलाइनें बनाने लायक हैं। अब क्या आप लीवरेज की शक्ति को समझ गए हैं? बर्कशायर हैथवे का शेयर इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि लीवरेज की दौलत बदौलत प्रयास के अनुपात में बहुत भारी परिणाम मिलते हैं। इस बारे में सोचें, 1965 में $300 इकट्ठे करने में कितना प्रयास करना पड़ता। 2 या 3 दिन का काम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह का काम। जरा कल्पना करें, एक बार $300 का निवेश करने के बाद आपको कोई काम नहीं करना पड़ता क्योंकि आपकी पाइपलाइन पहले ही बन चुकी है। आपको बस कभी कभार अखबार में शेयर के भाव देखने का काम जरूर करना था। खुद से पूछे, क्या यह बेहतरीन नहीं होता अगर आप अंगुली उठाए बिना भी $300 को $1 million में बदल सकते? क्या आप देख सकते हैं कि लीवरेज का समझदारी भरा इस्तेमाल किस तरह थोड़े से पैसों से थोड़े से समय को हजारों गुना बढ़ा सकता है? क्या ऐसी प्रणाली खोजने में समझदारी नज़र नहीं आती जिसके जरिए आप $1 को $1,000 में बदल सकते हैं, या 1 घंटे को 1,000 घंटों में? क्या यह बेहतरीन नहीं रहेगा कि आप एक बार काम करें और बाकी का काम लीवरेज को करने दें? दोस्तों, अगर आप लीवरेज के लाभों का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको भी वह करने की ज़रूरत है कि पाब्लो और वॉरेन बफे जैसे पाइपलाइन निर्माताओं ने किया। अपने समय और धन की लीवरेजिंग की प्रणाली आज ही खोजें और आने वाले कल में एक बड़े पुरस्कार का आनंद लें। अध्याय नंबर 5, पैसे का लीवरेज, पाम बीच पाइपलाइन। ज़रा सोचो, पाब्लो ने आगे कहा, हम उन पाइपलाइनों से गुजरने वाले 1 गैलन पानी के बदले में थोड़े पैसे ले सकते हैं। पाइपलाइनों से जितना ज़्यादा पानी बहेगा, हमारी जेब में उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर आ जाएगा। मैंने जो पाइपलाइन बनाई है वह सपने का अंत नहीं, वह तो सिर्फ शुरुआत है। एक कहानी है कि चीन का एक प्राचीन सम्राट शतरंज नामक एक नए खेल से
प्रेम करने लगा। सम्राट ने शतरंज ईजाद करने वाले को पुरस्कार देने का निर्णय लिया। उसने आविष्कारक को शाही महल में तलब किया और अदालत के सामने घोषणा की कि आविष्कार की एक इच्छा पूरी की जाएगी। मैं सम्मानित हूँ महामहिम, आविष्कारक विनम्रता से बुदबुदाया, मेरी इच्छा यह है कि आप मुझे चावल का एक दाना दे दें। बस चावल का एक दाना? हैरान सम्राट ने पूछा। देखिए, शतरंज की विषाद के पहले चौंकाने के लिए सिर्फ एक दाना, आविष्कार ने कहा। फिर दूसरे चौंकाने के लिए उसे दोगुना करके दो दाने कर दे, तीसरे चौंकाने के लिए चार दाने, और तब तक जब तक कि चावल का अकेला दाना शतरंज की विषाद के सभी चौंकानों में दोगुना हो जाए, बस मेरी यही इच्छा है। सम्राट बहुत खुश हुआ। मुझे इतने सस्ते में इतना अद्भुत खेल मिल रहा है, मेरे पूर्वज आज मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। मंजूर है, सम्राट चिल्लाया, शतरंज की बिसात बिछाओ और यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को हमारे अनुबंध का गवाह बनने दो। पूरा दरबार शतरंज की बिछात के चारों ओर इकट्ठा हो गया। रसोई का सेवक चावल का आधा किलो का थैला लेकर आया और इसे आविष्कार को थमा दिया। आविष्कार बैग को खोलते समय मुस्कुराया। आविष्कार ने सेवक से कहा, मेरा सुझाव है कि आप किचन जाकर थोड़ा ज़्यादा बड़ा थैला लाएं। यह सुनकर पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। सबको लगा कि वह मजाक कर रहा है। उसके बाद आविष्कार बोर्ड पर चावल के दाने रखने लगा और दोनों की संख्या दुगुनी करता गया। देखने वाले हंसे और एक दूसरे को टहका लगाया। जब आठ चौखानों की पहली कतार भरी, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 दाने, लेकिन खी जल्दी ही दूसरी कतार के बीच तक उहा में बदल गई, क्योंकि चावल के छोटे ढेर जल्दी ही दुगुने होकर छोटे थैलों में बदल गए, जो चौगुने होकर चावल के मध्यम आकार के थैलों में हो गए और जो दुगुने होकर चावल के बड़े थैलों में बन गए। दूसरी कतार के अंत तक सम्राट समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती हो गई है। आविष्कार को दाने देने की कुल संख्या 32,768 हो गई थी, जबकि अभी 48 चौखाने बचे हुए थे। सम्राट ने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया और देश के समझदार गणितज्ञ को बुलाया। उन्होंने अपने अबेकस का सहारा लिया और स्लेट बोर्ड पर फटाफट निशान बनाया। काफ़ी माथापच्ची के बाद गणितज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे, अगर चावल का एक दाना 64 चौखानों वाली शतरंज की बिसात के हर चौखाने पर दुगुना होता है, तो आखिरी चौखाने में कुल 48 मिलियन ट्रिलियन चावल के दाने होंगे, जो संसार में उपलब्ध कुल चावल का 10 गुना है। सम्राट ने यह काम रोककर आविष्कार के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे वह इनकार नहीं कर सकता था। अगर आविष्कारक सम्राट को उसके वादे से मुक्त कर देता तो आविष्कारक को देहात में एक जायदाद दे दी जाएगी जिसमें सैकड़ों एकज उपजाऊ चावल के खेत थे। आविष्कारक खुशी खुशी मान गया। हर किसी ने आविष्कारक के नाम पर जाप लिया और बुद्धिमता तथा चतुराई की सराहना की। फिर वह खुशी खुशी अपनी जायदाद के ठाट में रहने चला गया और कई कई साल तक सुखपूर्वक जिया। दुगुना करने की अवधारणा संसार का आठवां चमत्कार है। सम्राट और आविष्कारक की कहानी हमें बताती है कि दुगुना करने की अवधारणा में कितनी शक्ति होती है। यह अवधारणा तब से मौजूद है जब से पहले बैंक ने किसी जमा पूंजी पर पहले दौलतमंद व्यापारी को ब्याज दिया था। इसलिए यह अवधारणा समय के इम्तिहान में खरी उतरी है और साबित हो चुकी है। आविष्कारक और सम्राट के गणितज्ञ संभवतः पहले लोग थे जिन्होंने डुप्लीकेशन यानी दुगुना करने की शक्ति को पहचाना, लेकिन ये निश्चित रूप से ऐसा करने वाले आखिरी लोग नहीं थे। सदियों बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन नामक एक मशहूर गणितज्ञ ने डुप्लीकेशन या चक्रवर्ती की जबरदस्त शक्ति को पहचाना और इसे संसार का आठवां चमत्कार कहा। दुगुने की अवधारणा दौलत निर्माण की उत्तम आधारशिला है और मैं इसे पाम बीच पाइपलाइन कहता हूँ। यह नाम फ्लोरिडा की वैभवशाली जगह का है जहाँ संसार के सैकड़ों सबसे अमीर वारिस अटलांटिक महासागर के निकट की जायदादों के स्वामी हैं। पाम बीच में अमीर लोगों के पैसे की खातिर काम नहीं करना पड़ता, वे पैसे से अपनी खातिर काम कराते हैं। वे विरासत में मिली भारी दौलत का निवेश पाइपलाइनों में कर देते हैं और हर साल भारी मुनाफा देती रहती हैं, चाहे निवेशक काम करे या न करे। पाम बीच पाइपलाइनों को दुगुने
की अवधारणा से ईंधन मिलता है। इसका मतलब है कि खुशकिस्मत वारिस विलासी जीवन शैली का आनंद ले सकता है और इसके बावजूद ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। यानी केक खाओ भी और पास रखो भी, बेहतर का नियम, अमीरों का नियम। अमीर लोग ज़्यादा अमीर कैसे बनते हैं, यह समझने के लिए बेहतर के नियम पर नज़र डालें। यह दौलत बनाने वाली विश्लेषण अवधारणा है जिसे विश्व के शीर्ष निवेशक ब्रोकर अपने अमीर ग्राहकों को सिखाते हैं। बेहतर का नियम यह हिसाब लगाने का अनुमान आसान फार्मूला है कि कोई निवेश कितने सालों में दुगुना होता है, इस तरह काम करता है। दुगुना करने की अवधारणा का बेहतर का नियम, अपने निवेश पर वार्षिक ब्याज दर का पता लगाएं, बेहतर में से ब्याज दर को विभाजित करें। परिणाम से आपको पता चल जाएगा कि आपका निवेश कितने सालों में दुगुना होगा। मिसाल के तौर पर आइए मान लेते हैं कि एक वारिस किसी स्टॉक में $1,00,000 का निवेश करता है जो प्रतिवर्ष 10% मुनाफा देती है। या बेहतर के नियम का उदाहरण देखते हैं। कदम एक, $1,00,000 का मूल निवेश है। कदम दो, 10% वार्षिक प्रतिफल है। कदम तीन, 72 से 10 का भाग = 7.2 वर्ष प्रतिफल। $1,00,000 7.2 वर्षों में $2,00,000 में बदल जाएगी। यदि वारिस मुनाफे और मूलधन को खर्च नहीं करता है तो $1,00,000 का मूल निवेश 7.2 वर्षों में दोगुना होकर $2,00,000 हो जाएगा। 14.2 वर्षों में $4,00,000 और 21.76 वर्षों में $8,00,000 और 28.8 वर्षों में $1.6 मिलियन आदि। जैसा आप देख सकते हैं, पैसे को जितना ज़्यादा समय तक चक्रवर्ती होने दिया, पाइपलाइन की आकार उतना ही बड़ा होता गया। चक्रवर्ती की शक्ति की लीवरेजिंग करके जो लोग विरासत में $1,000,000 की संपत्ति पाते हैं, वे सही ढंग से जी सकते हैं और अपने बच्चों के लिए उससे भी ज़्यादा संपत्ति छोड़ सकते हैं। चक्रवर्ती का जादू ही वह कारण है जिसकी बदौलत कैनेडी, ड्यूपॉइंट, फायरस्टोन, फोर्ड, रॉकफेलर और गेटी नामक हजारों वारिस जीवन भर विलासिता में जिएंगे, फिर भी उनकी दौलत कभी नहीं सूखेगी। वास्तव में उनकी बाल्टी कभी नहीं सूखती है, क्योंकि पाइपलाइन दशकों तक लगातार काम करती है। और जैसे यूरोप में रोथचाइल्ड वारिसों के मामले में है, 2 सदियों से ज़्यादा समय से संतान और पैसा। सौभाग्य से पैसे की लीवरेजिंग वाली पाइपलाइनें केवल अमीर लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, सामान्य लोग भी दुगुने की अवधारणा का लाभ ले सकते हैं। जैसा हम मार्टियर ओडोनेल के उदाहरण से जानते हैं, कम वेतन वाले स्कूल टीचर जिन्होंने शेयर बाजार में अपने पैसे की लीवरेजिंग करके कई $1,000,000 जमा कर लिए थे। जो सामान्य लोग अपने पैसों की लीवरेजिंग करके दीर्घकालीन पाइपलाइन कैसे बना सकते हैं, इस प्रश्न का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका आपको माइकल जे सल्स की किड्स एंड मनी नामक शक्तिशाली छोटी पुस्तक के बारे में बताना है। वास्तव में इस पुस्तक को पीपल एंड मनी शीर्षक दिया जा सकता था, क्योंकि सेल्स के बताए सिद्धांत बच्चों और बुजुर्गों दोनों पर लागू होते हैं। वॉल स्ट्रीट के पूर्व ब्रोकर सेल्स 4 संतानों के पिता हैं। वह सलाह देते हैं कि बच्चों को ज़्यादा जिम्मेदारी से पैसे का प्रबंधन करना सिखाने के लिए एक आसान सिस्टम पर चलना चाहिए। वे यह सुझाव देते हैं कि अभिभावक प्लास्टिक के 3 जार ले, वे पहले जार पर खर्च करें और दान दें लेबल लगाएं, दूसरे जार पर बचाएं लिखें और तीसरे जार पर निवेश करें लिखें। जब माता पिता अपने बच्चों को सलाह के लिए उनका जेब खर्च दे तो वे पैसे को 3 जारों में बराबर बांट दे, खर्च करें और दान दे। जार तुरंत खर्च कर के लिए है, बबल गम, बेसबॉल कार्ड आदि। यही वह पैसा है जो दान और परोपकार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बचत करें, जार ज़्यादा बड़ी चीज़ों पर खर्च करके करने के लिए होता है, जैसे नई सीडी या वीडियो गेम। निवेश करें, जार पहले 2 जारों से अलग होता है क्योंकि यह खर्च करने के लिए नहीं होता है कभी भी। सेल्स इस जार के बारे में कहते हैं सबसे अहम घटक, क्योंकि अगर हम किसी बुरे दिन के लिए कुछ नहीं बचाएंगे तो कर्ज का जोखिम हमारे सिर पर ऊपर हमेशा मंडराता रहेगा। जो वैसक दीर्घकालीन निवेश पाइपलाइनें बनाने के लिए बारे में गंभीर है, उन्हें 3 जार के सिस्टम के अनुसार अपने पैसों का प्रबंधन करना शुरू करना चाहिए। लेकिन उन्हें अपना पैसा जार में रखने के बजाय बैंक और ब्रोकरेज खातों में रखना चाहिए। वैसक और पैसे का सिस्टम, खर्च करें, दान दें, बचत करें और निवेश करें। सबसे पहले खुद को भुगतान करें।
अमीर लोगों की तरह अपने पैसे की लिवरेजिंग करने की कुंजी का एक आसान उपाय है। हर महीने सबसे पहले नियम से निवेश खातों में पैसा डालकर खुद को पैसे दे और फिर उस पैसे को चक्रवर्ती होने के लिए छोड़ दे। अपनी निवेश पाइपलाइनों में पैसे डालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर महीने अपनी आमदनी की बाल्टी में से थोड़ा सा पैसा निकाले और इसे अपनी पाइपलाइन में जमा कर दे। सामान्य लोग किस तरह मिलियनेयर बनते हैं? बड़ी बुरी बात है कि हम अमीर अभिभावक चुनने में सक्षम नहीं थे। अगर ऐसा होता तो हमें अनिवार्य बचत योजनाओं और वेतन की स्वचालित कटौतियों की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका के बहुसंख्यक मिलियनेयरों को दौलत विरासत में नहीं मिली थी। आंकड़े बताते हैं कि 5 में से 4 मिलियनेयरों को $10,000 से ज़्यादा की विरासत नसीब नहीं हुई थी। मिलियनेयर बनने के लिए उन्होंने तो बस रॉकफेलर और कैनेडी की निवेश रणनीतियों की नकल की थी। संक्षेप में कहा जाए, स्वनिर्मित मिलियनेयरों ने अपनी पाम बीच पाइपलाइन बनाने के लिए अपने पैसे की लिवरेजिंग की। कैसे? 3,000 के तंत्र का इस्तेमाल करके वे अपनी पूरी आमदनी खर्च करने के बजाय उसका एक बड़ा हिस्सा निवेश जार में अलग रख देते और इसे साल दर साल चक्रवर्ती होने देते। आमतौर पर मिलियनेयर अपनी सकल आमदनी का 15 से 20% हिस्सा बचाते हैं। वे इसे समझदारी से संपत्ति बनाने वाली पाइपलाइनों में निवेश करते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, व्यवसाय, किराए की जायदाद, कमर्शियल रियल इस्टेट, पेंशन फंड आदि। इसलिए ज़्यादातर मिलियनेयर 50 से 60 की उम्र तक $1,000,000 की लकीर नहीं छू पाते। चक्रवर्ती को तेज़ रफ्तार पकड़ने में दशकों लग सकते हैं। $10,000 10% के मुनाफे 7 साल बाद दुगुने होकर $20,000 हो जाएंगे, लेकिन 50 साल में 7 बार दुगुने हो जाएंगे, लगभग $1.3 मिलियन बन जाएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको लिवरेजिंग करने के लिए क्या करना होगा? क्या मिलियनेयर बनना बेहतर नहीं होगा? आप जानते हैं, आप बन सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपकी लॉटरी लगने की ज़रूरत नहीं है। मिलियनेयर कल कभी बहुत खासम खास हुआ करता था। आपको सही परिवार में पैदा होना होता है, सही स्कूलों में जाना होता था। अब ये शर्तें नहीं रह गई। अब सामान्य लोग भी मिलियनेयर्स क्लब में शामिल हो सकते हैं। यह हर व्यक्ति के लिए खुला है जिसमें इतना अनुशासन है कि वह अपनी आमदनी के एक नियमित हिस्सा निवेश करने के और समय के साथ उसे चक्रवर्ती होने दे। लेकिन आइए सच का सामना करते हैं। हर व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट पाइपलाइन बनाने में 40 से 50 साल तक धैर्य नहीं रख सकता और रातों रात पाम बीच पाइपलाइन बनाने के लिए हर एक के पास पैसा भी नहीं होता। क्या यह बेहतर नहीं रहेगा अगर कोई 5 साल की पाइपलाइन योजना हो जिसे सामान्य लोग ज़्यादा पैसों का निवेश किए बिना निरंतर अतिरिक्त आमदनी हासिल कर सकें? देखिए, 5 साल की पाइपलाइन योजना भी मौजूद है। सबसे अच्छी बात यह, पाइपलाइन बनाने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने पैसों की लिवरेजिंग करने के बजाय आप अपने समय की लिवरेजिंग करते हैं। अध्याय नंबर 6, समय का लिवरेज लोगों की पाइपलाइन। जब ब्रूनो शाम को और वीकेंड में अपने जालीदार झूले में लेटा रहता था, तब पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। पहले कुछ महीनों में तो पाब्लो की मेहनत का कोई फल नहीं दिख रहा था। काम मुश्किल था, ब्रूनो के काम से भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि पाब्लो शाम को और वीकेंड में भी काम कर रहा था। लेकिन पाब्लो खुद को बार बार याद दिलाता रहा कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। हर दिन वह खुदाई करता रहा, एक बार में 1 इंच। एक पुरानी अप्लासियन अभिव्यक्ति है जो पैसे के लिवरेज और समय के लिवरेज के फर्क को सार बताती है। यह इस तरह है, बलूत के किसी विशाल पेड़ के ऊपर पहुंचने के 2 तरीके होते हैं। आप इसके बीज पर बैठ सकते हो और इसके पेड़ बनने का इंतजार करते हो, या फिर आप इस पेड़ पर चढ़ सकते हो। जब लोग पाइपलाइन बनाने के लिए दशकों तक अपने पैसे की लिवरेजिंग करते हैं तो वे बीच पर बैठकर इंतजार करने का विकल्प चुन रहे हैं। मैं इसे 50 साल की पाइपलाइन योजना कहता हूँ। चक्रवर्ती इसी का नाम है, धैर्यपूर्वक इंतजार करना जब आपका पैसा वर्षों तक बार बार दोगुना होता रहे। इस बारे में कोई संदेह नहीं कि 50 साल की पाइपलाइन योजना कारगर है। याद रखिए कि मार्टगेट ओडोनेल की पाइपलाइन ने उसे कम वेतन वाली टीचर से मल्टीमिलियनेयर बना दिया था। मार्टगेट ओडोनेल की तरह ही मैं भी दीर्घकालीन पाइपलाइन बनाने में बहुत विश्वास रखता हूँ। इतने वर्षों में मैंने पाम बीच पाइपलाइन बनाने में अपनी आमदनी के एक हिस्से की लिवरेजिंग की है, जिसमें पेंशन फंड से, शेयर बाजार से, IR से, रियल इस्टेट तक हर चीज़ है। इसे विविधीकरण कहा जाता है, इसे जीवन की डोर बनाना भी कहा जाता है। 50 साल की पाइपलाइन योजना CD और T-bills, पेंशन फंड, शेयर एंड बॉन्ड, आपका घर, सोशल सिक्योरिटी 401(k), KRA, रियल इस्टेट।
लेकिन मैं बलूत के वृक्ष पर चढ़ने में भी बहुत विश्वास रखता हूँ। मैं बलूत के पेड़ों पर चढ़ने को 5 साल की पाइपलाइन योजना कहता हूँ। इससे वही लक्ष्य हासिल होता है जो 50 साल की पाइपलाइन योजना से होता है, नीचे स्वतंत्रता और सुरक्षा, लेकिन इसमें केवल 10% समय लगता है। इसलिए मैं कुछ तेज़ी से विकास कर रहे व्यवसाय बनाने में समय, धन और प्रयास लगाया। पेड़ के शिखर पर पहुंचने के लिए 50 साल इंतजार करने के बजाय मैं ऐसा व्यवसाय बना सकता हूं जो मुझे 2 से 5 साल में वही पहुंचा देता है। समय खेल के मैदान को सम्मान कर देता है। समय की लीवरेजिंग की सुंदरता यह है कि हम सभी को समय की सम्मान मात्रा दी गई है। इसका मतलब है कि समय अमीर लोगों और औसत आमदनी कमाने वालों के खेल के मैदान को समान कर देता है, चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप हो या डोनाल्ड ट्रक ड्राइवर। हर एक को एक दिन समय की मात्रा समान दी गई है, इसलिए मैं समय की लीवरेजिंग को जनता की पाइपलाइन कहता हूँ। समय हर एक को समान मात्रा में मिलता है, चाहे वे अमीर हो, गरीब हो, पुरुष हो, स्त्री हो, या कॉलेज शिक्षित हो या अशिक्षित हो, युवा हो, वृद्ध हो। आप यह बात पैसे के बारे में नहीं कह सकते हैं। इसके बारे में मैं इस तरह से सोचे, क्या यह बेहतरीन नहीं रहेगा अगर हर दिन की शुरुआत में आपके और हर दूसरे व्यक्ति के पास व्यक्तिगत बैंक खाते में $1,440 हो। पैसा आपका और सिर्फ आपका होगा, कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता कि आपको इसके साथ क्या करना है। आप इसे खर्च कर सकते हैं, इसका निवेश कर सकते हैं, इसे उड़ा सकते हैं, इसे जला सकते हैं, इसका दान दे सकते हैं, इसकी लिवरेजिंग कर सकते हैं या इसे बर्बाद कर सकते हैं। ये जानते हुए कि अगली सुबह जब आप जागेंगे तो आपके खाते में एक बार फिर से $1,440 होंगे। अगर हर व्यक्ति हर दिन की शुरुआत $1,440 से कर सके तो संसार ज़्यादा बेहतर और न्यायपूर्ण हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसा हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। पैसे के मामले में जीवन न्यायपूर्ण नहीं है। कुछ लोग अपने मुँह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कुछ प्लास्टिक का चम्मच, लेकिन कुछ के पास तो अपने खुद के अंगूठे के अलावा कुछ नहीं होता है। न्यायपूर्ण शायद नहीं, लेकिन जैसा एक गीत में कहा गया है, यही जीवन है। हम हर दिन $1,440 के बैंक खाते से शुरू नहीं करते हैं, ये तो पक्की बात है। यहाँ तक समय का सवाल है, ये एक अलग मसला है। हम सभी के पास हर दिन की शुरुआत में समय के खाते में 1440 मिनट छोड़ते हैं। चूँकि हम सभी को समय की समान मात्रा मिलती है, इसलिए जो लोग वेतन से वेतन तक जीते हैं और जो लोग वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, उनमें फ़र्क बस इतना होता है कि वे अपने 1440 मिनट का इस्तेमाल करते हैं। आप जितना सोचते हैं आपके पास उससे ज़्यादा समय है। कुछ लोग अपनी पाइपलाइनें बनाने में टालमटाल करते रहते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल ये मेरे लिए बुरा समय है। जानते हैं, हाल फिलहाल हर एक के लिए बुरा समय है। हम सभी तनावग्रस्त हैं, हम सभी व्यस्त हैं, हम सभी अपना दामन बचाने में लगे हैं और अप्रत्याशित आपातकालीन स्थितियों से जूझ रहे हैं। इन बुरे समयों के लिए एक शब्द है, इसे जीवन कहा जाता है। कुछ लोग एक्स, वाई और जेड करने के लिए आदर्श समय का इंतज़ार करने में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। देखिए, वे इंतज़ार करते करते मर जाएंगे, क्योंकि आदर्श समय जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई आपसे कहे कि अगर आप साल में हर दिन 2 घंटे तक एक कोने में बैठकर बुनाई करें और इसके बदले में वह आपको $1,000,000 देगा, तो आप बुनाई करने के लिए समय निकाल ही लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खेलते समय आपके बेटे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया या आपकी कार ऑफिस के बाद चालू नहीं हुई। $1,000,000 गंवाने के बजाय आप बुनाई करने के लिए 2 घंटे का समय निकाल लेंगे, चाहे समय आदर्श हो या न हो। हास्यकार आर्ट बुकवॉल्ट ने इसे इस तरह कहा है, चाहे यह सबसे अच्छा समय हो या सबसे बुरा समय हो, यह इकलौता समय है जो हमें मिला है। अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों समय का महत्व नहीं समझते हैं, खास तौर पर समय की छोटी मात्राओं का। हम मिनटों, घंटों के बजाय समय को दिनों, सप्ताह और वर्षों में मापने के आदि होते हैं। हम सोमवार से शुक्रवार तक 9 से 5 तक काम करते हैं। हम मासिक कैलेंडर के अनुसार अपने जीवन की योजना बनाते हैं। हम अपने जन्मदिन और सालगिरह साल में एक बार मनाते हैं। लेकिन समय के बारे में अद्भुत चीज़ यह है कि हर दिन कुछ मिनट यहाँ और कुछ मिनट वहाँ मिलकर बहुत बड़े कालखंड बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या आप जानते हैं कि सामान्य व्यक्ति अपने जीवन काल में खाने में कितना समय खर्च करता है? आपका अंदाज क्या है? 1 साल, 2 साल? जवाब है 6 साल। यह आश्चर्यजनक नहीं, कुछ अन्य छोटे दैनिक काम
जो मिलकर भारी कालखंड बनाते हैं। कुल समय जो हमें अपने जीवन काल के छोटे दैनिक कार्यों कामों में खर्च करते हैं, 6 साल खाने में, 5 साल लाइन में इंतज़ार करना, 4 साल मकान साफ करना, 3 साल भोजन तैयार करना, 2 साल फ़ोन कॉल का जवाब देने का कोशिश करना, 1 साल गुम चीज़ों को खोजना, 8 महीने जंक मेल खोजना, 6 महीने लाल बत्ती पर रुकना, मेरी तालिका के अनुसार यह पूरे जीवन का लगभग 22 साल का समय है। इससे यह साबित होता है कि 15 मिनट यहाँ और आधा घंटा वहाँ, 2 घंटे वहाँ मिलकर बड़े कालखंड बनते हैं। कुछ घंटे कुछ महीनों में बदल सकते हैं। ज़रा एक पल के लिए सोचें कि हम अपने जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं। अगर हम हर शाम को 2 घंटे और वीकेंड के दौरान कोई उद्देश्यपूर्ण चीज़ करने में समय लगाएं, जैसे पाइपलाइन बनाना। अगर आप हर कामकाजी दिन में 2 घंटे अलग रख दें, मान ले सुबह काम के पहले 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, फिर शनिवार और रविवार को 3 और 3 घंटे, तो आप अपनी 1 सप्ताह की दिनचर्या में उत्पादक समय के 16 घंटे जोड़ सकते हैं। 16 घंटे 1 सप्ताह और साल में 50 सप्ताह के हिसाब से साल में कुछ 800 घंटे अतिरिक्त, जिसका मतलब है कि 8 घंटे के हिसाब से 100 दिन अथवा पूरे साल में 3 महीने और 10 दिन के कामकाजी दिन, और हर साल उत्पादक समय के 3 अतिरिक्त महीने पाने के लिए आपके हर दिन केवल 2 घंटे ही अलग रखे थे। आश्चर्यजनक है ना, समय धन है। अब मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताने जा रहा हूँ। खाली समय का उत्पादकता से इस्तेमाल करना ही एक समय की कुंजी है। कि सफल लोगों के पास जीवन में ज़्यादा होता है, वे ज़्यादा क्यों करते हैं, उन्हें ज़्यादा क्यों हासिल होता है। क्या आप सोचते हैं कि बिल गेट्स हर शाम को 5 बजे घर लौटते हैं और शाम 7 बजे तक टीवी देखते हैं, जैसा कि सामान्य अमरीकी पुरुष करता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में हाल ही में छपा एक लेख बताता है कि उत्तर अमेरिका में शीर्ष 10% आमदनी कमाने वाले लोग सप्ताह में औसतन 52 घंटे काम करते हैं, जबकि 10% सबसे कम कमाने वाले लोग सप्ताह में केवल 45 घंटे काम करते हैं। न सिर्फ शीर्ष 10% आमदनी कमाने वाले ज़्यादा समय काम करते हैं, बल्कि ज़्यादा चतुराई से भी काम करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अपने समय की अदला बदली डॉलरों से नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी कन्वीनियंस स्टोर में जाएं और माइकल जॉर्डन को काउंटर के पीछे ग्राहकों की लॉटरी टिकट और बियर के चार्ट बेचते देखें। कामकाज के हर क्षेत्र में सफल लोग अपने समय को महत्व देते हैं और वे अपने समय की लीवरेजिंग करके हर अवसर की तलाश करते रहते हैं। बर्बाद मत करो, कमी मत रखो। कुछ लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जब इस समय सब कुछ अच्छा और सही चल रहा है, तो वे पाइपलाइन बनाने में समय और प्रयास क्यों लगाए। वे कहते हैं कि ऑफिस में मेहनत भरे दिन के बाद उन्हें आराम करने का पूरा हक है। वे सोफे पर पसरकर और सोने तक टीवी देखकर खुद को पुरस्कार देते हैं। वे मुझसे कहते हैं, जिंदगी अच्छी तरह चल रही है, अच्छी नौकरी मिली है, बैंक में कुछ पैसे हैं, बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उससे कहता हूँ कि जब चीज़ें बेहतरीन हो, तभी अपनी पाइपलाइन बनाने का समय होता है। इससे बेहतर समय दूसरा नहीं होता, क्योंकि जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हो सकता है कि तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाए। फिर मैं उन्हें यह पुराना मजाक सुनाता हूँ। एक आदमी एक शानदार होटल की 30वीं मंजिल पर खड़ा होकर मेन होटल में सेंट्रल पार्क को देखना चाहता है। उसने शेड हटाए और नज़ारे का आनंद लेने के लिए खिड़की खोली। जब उसने खिड़की के बाहर झांका तो वह चौंक गया कि एक आदमी ऊपर से नीचे गिर रहा था, उसकी खिड़की के पास से नीचे जा रहा था। उसने गिरते आदमी से पूछा, कैसे हो? अच्छी तरह से हूँ, अब तक जवाब मिला। मुद्दे की बात यह है कि इस संसार में बहुत से बाल्टी ढोने वाले हैं जो अच्छी तरह से हैं अब तक, लेकिन वे इस मुक्त गिरने की अवस्था में हमेशा नहीं रह सकते। जब तक लोग डॉलर के बदले समय की अदला बदली करते हैं, तब तक अपने जीवन में कोई सुरक्षा जाल नहीं होता। क्योंकि जब वे बीमारी, चोट और छटनी की वजह से समय नहीं दे पाएंगे तो उनका वेतन रुक जाएगा। बाल्टी ढोने वालों के लिए वेतन न मिलने का मतलब है कोई सुरक्षा नहीं। चींटी और तीतरटे की कहानी। जब मैं यह लिख रहा हूँ तो उपभोक्ता आत्मविश्वास काफ़ी ऊपर है, बेरोजगारी कम है, आमदनी बढ़ रही है, मकानों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर है, कारें धड़ाधड़ बिक रही हैं,
बहुत सारे लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अब तक, लेकिन हमें अब तक का हमेशा मानने की गलती के जाल में नहीं फंसना चाहिए। हर कोई जानता है कि जीवन चक्रों में चलता है, अर्थव्यवस्था भी हाल फिलहाल कारोबारी चक्कर इसके शिखर के करीब है। आपका व्यक्तिगत जीवन चक्कर भी उच्चतम शिखर पर हो सकता है, लेकिन जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही होगा। और जब लोग नीचे आने वाले लगते हैं तो उनमें से कुछ लोग कुछ कठोर वास्तविकताओं से टकराएंगे। छटनी, कैरियर में बदलाव, क्रेडिट कार्ड कर्ज, आपातकालीन बीमारियां, बुजुर्ग अभिभावकों के लिए नर्सिंग होम केयर। चतुर लोग समझते हैं कि उनके घोंसले में पंख लगाने का सबसे अच्छा समय तभी होता है जब कारोबार तेजी पर हो। चतुर लोग मंदी शुरू होने के बाद नहीं बल्कि उससे पहले ही सुरक्षा जाल बना लेते हैं। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि उनकी पाइपलाइनें बनाने का सर्वश्रेष्ठ समय आज है, तब नहीं जब अर्थव्यवस्था ढलान पर फिसलने लगे। एक चींटी और तीन चट्टे के हिस्से जैसा है। चींटी पाइपलाइन निर्माता थी। वह अपने गर्मी के दिनों के लिए एक हिस्से में आने वाले जाड़े के लिए अनाज इकट्ठा करती थी। वह गर्मी में भी आनंद लेती थी, लेकिन वह इतनी समझदार थी कि अपनी पाइपलाइन बनाने में थोड़ा समय लगाती थी। दूसरी तरफ तीन चट्टा बाल्टी ढोने वाला था। वह पैसे मिलते ही पूरा खर्च कर देता, अपना सारा समय धूप में खेलने के में बर्बाद कर देता। वह आने वाले जोड़े को नज़रअंदाज कर देता। जब कपकपाने वाला जाड़ा आया तो उसके पास कोई पाइपलाइन तैयार नहीं थी और वह भूखो मर गया। मुझे अभी भुगतान दो या मुझे बाद में भुगतान दो। क्या आपको मशहूर विज्ञापन का ये वाक्य याद है, मुझे अभी भुगतान दो या मुझे बाद में भुगतान दो। यही बात पाइपलाइन बनाने के बारे में भी कही जा सकती है। आप आज पाइपलाइन बनाने में अपने थोड़े समय और धन का निवेश करके अभी थोड़ा भुगतान कर सकते हैं, या फिर आप जब आप 60 से 70 के पार हो जाते हैं तब एक छोटे सोशल सिक्योरिटी चेक पर जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, बाद में भुगतान कर सकते हैं। ज़रा सोचें, अगर आपकी पाइपलाइनें तैयार हैं तो आप बाद में भुगतान करने के बजाय आपको बाद में इसका भुगतान मिलेगा। क्या विचार है? समय का लिवरेज लोगों की पाइपलाइन। याद रखें, समय खेल के मैदान को समान कर देता है। हम सभी के पास लिवरेज करने के लिए धन की समान मात्रा नहीं होती, लेकिन हम सभी के पास समय की समान मात्रा होती है। अपनी फुर्सत के थोड़े से समय की समझदारी से लिवरेजिंग करके आप एक ऐसी पाइपलाइन बना सकते हैं जो वर्षों तक पैसे देती रहेगी। हम खुशकिस्मत है जो एक ऐसे युग में रह रहे हैं जब लगभग हर व्यक्ति पाइपलाइन बनाने के लिए अपने समय की लिवरेजिंग कर सकता है। मामला हमेशा ऐसा नहीं था। 20वीं सदी के मोड़ पर सिर्फ अमीर लोगों के पास अपने समय की लिवरेजिंग करने की विलासिता थी। 1890 में बहुसंख्यक लोग मजदूर थे और हर दिन 10 घंटे काम करते थे। वे जिंदा रहने की कोशिश में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि लिवरेजिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज ज़्यादातर लोगों के पास इतिहास के किसी भी समय की तुलना में ज़्यादा खाली समय है। समय सबको सम्मान करने वाला बेहतरीन साधन है। छोटे लोगों को बड़े लोगों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाता है। अमीर लोगों को एक दिन में 48 घंटे नहीं मिलते हैं, न ही गरीब लोगों को 12 घंटे मिलते हैं। उन दोनों को समय की समान मात्रा मिलती है, एक दिन में 24 घंटे, एक सप्ताह में 7 दिन और एक साल में 365 दिन। समय की लिवरेजिंग का इतिहास में सबसे महान साधन है। आज पाइपलाइन अमीरों की बपौती नहीं रह गई हैं। कोई भी थोड़े से समय और बहुत सारी प्रेरणा के साथ 2 से 5 साल में जनता की पाइपलाइनें बनाने के लिए अपने समय की लिवरेजिंग कर सकता है जो बरसों तक बहेगी या शायद दशकों तक भी। वास्तव में समय की लिवरेजिंग का संसार के इतिहास में सबसे महान साधन हमारी अंगुलियों पर है। इसी वक्त समय की लिवरेजिंग के इस साधन ने इतने कम समय में इतने ज़्यादा मिलियन उत्पन्न कर दिए हैं जितना इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। मैं इस अद्भुत साधन को ई पाइपलाइन कहता हूँ और यह समय की लिवरेजिंग का परम साधन है। आप शायद ई पाइपलाइन को एक अलग नाम से जानते हैं, एक ऐसा नाम जो समाचार पत्र की सुर्खियों में रहता है और दिन में 24 घंटे स्क्रीन पर रहता है। वह नाम है इंटरनेट। समय की लिवरेजिंग का इतिहास का महानतम साधन है। खंड 3, वास्तविक पाइपलाइन। अध्याय नंबर 7, ई चक्रवर्ती, वास्तविक पाइपलाइन। पाइपलाइन वाला पाब्लो अब चमत्कारी पाब्लो के नाम से मशहूर हो गया। नेताओं ने उसकी दूरदृष्टि की प्रशंसा की और उससे मेयर का चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन पाब्लो समझता था कि उसने जो किया है वह चमत्कार नहीं था।
यह तो एक बड़े बहुत बड़े सपने का सिर्फ पहला चरण था। देखिए, पाब्लो के पास ऐसी योजनाएं थी जो उसके गांव से बहुत बहुत आगे तक जाती थी। पाब्लो की योजना पूरे संसार में पाइपलाइन बनाने की थी। अब तक हमने इस बारे में बात की कि लोग निरंतर अतिरिक्त आमदनी की पाइपलाइनें बनाने के लिए अपने समय और धन की लीवरेजिंग कैसे कर सकते हैं। प्रश्न यह है, नई अर्थव्यवस्था में सबसे शक्तिशाली और उत्पादक पाइपलाइन कौन सी है? जवाब है इंटरनेट। यह एक क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी है जिसे मैं ई अर्थव्यवस्था की ई पाइपलाइन कहता हूँ। दोस्तों, इंटरनेट उस तरीके को बदल रहा है जिस तरह संसार जीता है, काम करता है और खेलता है। एक शब्द में, इंटरनेट ही भविष्य है और भविष्य अभी है। इस अध्याय में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप निरंतर अतिरिक्त आमदनी की पाइपलाइन बनाने के लिए इतिहास के सबसे महान लीवरेजिंग साधन इंटरनेट का लाभ कैसे ले सकते हैं, जिसे आप 50 साल के बजाय 2 से 5 साल में बना सकते हैं। इंटरनेट क्रांति अभी शुरू ही हो रही है। यह तो तय है कि इंटरनेट युग संसार में क्रांति कर रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जैक वेल्व ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि इंटरनेट उसके जीवन काल में व्यवसाय में होने वाले सबसे बड़ा परिवर्तन था। तथा वेल्स का जन्म 1936 में हुआ था। इंटेल के चेयरमैन एंडी ग्रोव अपने आकलन में और भी ज़्यादा स्पष्ट थे। 5 साल में हर कंपनी इंटरनेट कंपनी होगी, वरना कंपनी ही नहीं होगी। यह तार से जुड़ा संसार है। कौन सी चीज़ इंटरनेट पाइपलाइन को इतना शक्तिशाली बनाती है? देखिए, एक पल के लिए सोचे कि इंटरनेट दरअसल क्या है। इसका अर्थ है पूरे संसार में लाखों लोग, जिनमें से प्रत्येक किसी कंप्यूटर या सेल फोन के जरिए जुड़ा है, जिनमें से प्रत्येक 365 दिन एक दूसरे से दूर तुरंत संचार करने या बेचने में सक्षम है, स्थानीय टेलीफोन कॉल के दाम पर। यह विलक्षण है। इंटरनेट प्रकाश की गति जितना तेज है, इसका प्रयोग करने में पूरे दिन में केवल चंद डॉलर ही की लागत आती है। यह हमेशा चालू रहता है, इसके सीमित उपयोग हैं। यह संचार को आपस में जोड़ता है। और ब्रुकलिन पुल को बनाने में जितना समय लगा था, उससे आधे समय में 100 मिलियन लोग वेब से जुड़ गए थे। 2003 तक 1 अरब लोग से ज़्यादा लोग ऑनलाइन हो गए थे, जिन्होंने ई कॉमर्स के जरिए संभवतः $1 ट्रिलियन के प्रोडक्ट और सेवाएं खरीदी। यह प्रचार नहीं, यह तो वैश्विक क्रांति है। इंटरनेट के साथ समस्या। इंटरनेट सचमुच क्रांतिकारी है, लेकिन यह अभी आदर्श से दूर है। वास्तव में इंटरनेट के साथ एक समस्या है, एक बड़ी समस्या। इंटरनेट की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इंटरनेट बहुत बड़ा है, बहुत भीड़ भरा है, बहुत दुविधापूर्ण, बहुत प्रतिस्पर्धा, बहुत तकनीकी। आप कहाँ खरीदते हैं, आप कैसे खरीदते हैं, आप किस पर विश्वास करते हैं, यह अभिभूत करने वाला है। विशेषज्ञों के अनुसार ई कॉमर्स साइटें 3 मुख्य चुनौतियों का सामना कर रही हैं। उन्हें ज़्यादा लोगों के आने की ज़रूरत है, उन्हें ज़्यादा बिक्री की ज़रूरत है, उन्हें ज़्यादा रिपीट बिजनेस की ज़रूरत है। इंटरनेट को वफादार ग्राहकों की ज़रूरत है। सारांश में कहें तो ज़्यादातर ई कॉमर्स साइटें ग्राहकों के लिए, वफादार ग्राहकों के लिए बेताब है। वफादार ग्राहकों से मेरा मतलब है वे लोग जिनके पास ज़िंदगी में सिर्फ एक बार के बजाय सप्ताह दर सप्ताह और महीने दर महीने किसी ई कॉमर्स साइट से खरीदारी का कारण हो। हम इस बारे में बहुत सारी बातें सुनते हैं कि वेबसाइट पर कितने हिट हुए, लेकिन हिट से आमदनी नहीं होती। हिट तो वॉकिंग क्लब के सदस्यों जैसे होते हैं, जो हर सुबह स्थानीय शॉपिंग मॉल में मिलते हैं। वे मॉल का इस्तेमाल खरीदारी के लिए नहीं, बल्कि व्यायाम करने के लिए करते हैं। उनका शॉपिंग करने का कोई इरादा नहीं होता है। एक बार जब उनका टहलना पूरा हो जाता है, तो वे कूद कर अपनी कार में बैठते हैं और खरीदारी करने के लिए किसी और दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी तरह वेबसाइट पर हिट वैसे ही है जैसे लोग इंटरनेट पर टहलने जा रहे हैं। हिट से आमदनी नहीं मिलती, आमदनी तो बिक्री से मिलती है। और सच्चाई यह है कि ज़्यादातर ई कॉमर्स साइटें बिक्री के लिए बेताब हैं, क्योंकि ज़्यादातर साइटों पर खरीदारी को साप्ताहिक और मासिक खरीदारी करने वालों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इंटरनेट का उपयोग करने वालों की कोई वफादारी
इसलिए नहीं होती क्योंकि ज़्यादातर ई कॉमर्स साइटों को दीर्घकालीन संबंध बनाने की बजाय सबसे कम भाव पर सामान और सेवाएं मुहैया कराने की ज़्यादा चिंता रहती है, संबंध बचाव के लिए आते हैं। इंटरनेट युग में ग्राहक वफादारी बनाने का रहस्य क्या है? संबंध, असली लोगों के साथ वास्तविक ठोस दीर्घकालीन संबंध स्थापित करना ही वह उपाय है जो पुरानी साइटों को सफल ई कॉमर्स साइटों से अलग करेगा। देखिए, इंटरनेट की औद्योगिकी को व्यक्ति से व्यक्ति तक के संबंधों के गर्म स्पर्श की जरूरत है। जैसे जॉन नेस्बिट ने 20 साल पहले कहा था, हम जितने ज़्यादा हाईटेक होते हैं हम उतने ही ज़्यादा हाई टच की ज़रूरत होती है। इसलिए पहले से कहीं ज़्यादा आज लोग .com और डिजिट्स के भावहीन परिवेश को संतुलित करने के लिए मानव स्पर्श की भावुकता चाहते हैं, उन्हें उसकी ज़रूरत होती है। एक पल के लिए सोचें, आपने जो आखिरी फिल्म देखी थी क्या आपने उसे किसी वेबसाइट के बैनर एड देखकर चुना था? शंका है, ज़्यादा संभव यह है कि किसी मित्र सहकर्मी ने उस फिल्म की अनुशंसा की थी। यही बात उसकी आपकी प्रिय वेबसाइटों के बारे में है। किसी आकर्षक टीवी विज्ञापन या घूमने वाले बैनर एड पर क्लिक करने के बजाय सबसे ज़्यादा संभव यह है कि उनकी सिफारिश किसी ने की होगी जिसे आप जानते थे और विश्वास करते थे। सच तो यह है कि मौखिक अनुशंसाएं हमेशा विज्ञापन का सबसे प्रभावी रूप रही हैं। ये आज खास तौर पर सच है। देखिए, लोगों के साथ व्यवहार करना पसंद करते हैं, लोग हाई टच संबंधों पर विश्वास करते हैं और महत्व देते हैं, ऐसा नहीं है क्या? और संबंध इंटरनेट की सबसे बड़ी समस्या सुलझा देते हैं, वफादार ग्राहकों की कमी। यही पर आप आते हैं। आप हर दिन मुफ्त में हर दिन भर प्रोडक्ट और सेवाओं की अनुशंसाएं करते हैं और लोग आपकी अनुशंसाओं के आधार पर खरीदते हैं। अगर आपको इसके लिए पैसे मिले तो क्या यह बेहतर नहीं होगा? आप कर सकते हैं। अपने समय और संबंधों की लीवरेजिंग करके आप संबंध संचालित ई कॉमर्स साइटों को वफादार ग्राहक भेज रहे हैं, साथ ही अपने लिए निरंतर अतिरिक्त आमदनी की पाइपलाइन भी बना सकते हैं। ये दोनों पक्षों को लड्डू मिलने जैसा है। ई कॉमर्स साइट को ज़्यादा वफादार ग्राहक मिलते हैं और आपको उन प्रोडक्ट और सेवाओं की अनुशंसा के लिए भुगतान मिलता है जिनका आप इस्तेमाल करते हैं और आनंद लेते हैं। मैं इसे वास्तविक पाइपलाइन कहता हूँ और यह बस दोहन करने का इंतजार कर रही है आपके द्वारा। आप बोलते हैं वे प्रौद्योगिकी पर काम करते हैं। बुनियादी तौर पर वास्तविक पाइपलाइन इस तरह काम करती है। आप और स्थापित ई बिजनेस एफिलिएट साझेदारी करते हैं। आपकी भूमिका बात करना है। आप लोगों को कंपनी की ई कॉमर्स साइट तक मार्गदर्शन देते हैं। आपकी अनुशंसाओं के बदले ई व्यवसाय आपकी अनुशंसा पर खरीदे गए सारे प्रोडक्ट पर कमीशन चुकाता है। ई कॉमर्स कंपनी की भूमिका प्रौद्योगिकी की है। वे वेबसाइट प्रदान करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग करते हैं और अकाउंटिंग संभालते हैं। रेफरल फीस चुकाने के लिए बदले में कंपनी को वफादार ग्राहक मिलते हैं जो साइट पर बार बार लौटते हैं। जैसा मैंने कहा था, यह दोनों पक्षों के लिए लाभदायक है। कंपनी अपनी सबसे बड़ी समस्या को सुलझा लेती है, वफादार ग्राहकों का अभाव, और आप निरंतर अतिरिक्त आमदनी की पाइपलाइन बना लेते हैं। आप बोलते हैं वे प्रौद्योगिकी पर काम करते हैं। यह सरल है, ज़बरदस्त रूप से सरल। वास्तविक पाइपलाइन के मामले में आपको किसी विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं है। आप वही करते हैं जो आप हर दिन करते हैं। आप लोगों से बात करते हैं, आप लोगों को इंटरनेट के कुल्हड़ से बचाते हैं और इसके लिए आपको पैसा मिलता है। आप अपनी वास्तविक पाइपलाइन से कितना पैसा कमा सकते हैं यह आप पर निर्भर करता है। आपकी कोई सीमा नहीं है। आपके रेफरल नेटवर्क में जितने ज़्यादा लोग रहते हैं आपकी अतिरिक्त पाइपलाइन उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती है। वास्तव में यह असाधारण नहीं है कि लोग हजारों रेफरल से अतिरिक्त आमदनी पाएँ, यहाँ तक कि लाखों रेफरल से भी। एक व्यक्ति लाखों लोगों के व्यक्तिगत रूप से प्रोडक्ट की अनुशंसा कर सकता है, यह असंभव है। आप कह सकते हैं अगर आप चक्रवर्ती के जादू का इस्तेमाल करते हैं तो नहीं, जैसा आप जल्दी ही देखेंगे। आइंस्टाइन के पास चक्रवर्ती को संसार का आठवां चमत्कार कहने के पीछे कारण अच्छा कारण था। ई चक्रवर्ती वास्तविक पाइपलाइन। क्या आपने चीनी सम्राट और शतरंज के वास्तविक आविष्कारक के बारे में वह पुरानी कहानी याद है
आविष्कारक अपने भुगतान के बदले में चावल का एक दाना चाहता था, लेकिन वह चाहता था कि शतरंज की बिसात के प्रत्येक चौखाने पर इसे दुगुना किया जाए। अंत में यह पूरे संसार में उपलब्ध चावल से 10 गुना ज़्यादा हो गया। यह कहानी चक्रवर्ती की आश्चर्यजनक शक्ति को बताती है, जिसे दुगुना करने की अवधारणा के रूप में भी जाना जाता है। बस पल भर के लिए कल्पना करें कि क्या होगा अगर आप चक्रवर्ती की अवधारणा को लें और इसे ई कॉमर्स से मिला दें। परिणाम ई चक्रवर्ती होगा। ई चक्रवर्ती की संभावना के बारे में सोचें। चक्रवर्ती की घातांकी विकास इंटरनेट की पहुंच और गति से जुड़ा। देखिए, इसलिए मैं ई चक्रवर्ती को वास्तविक पाइपलाइन कहता हूँ। आपको अपने समय और संबंधों को इंटरनेट के जरिए चक्रवर्ती करने के लिए पैसे मिलते हैं। जरा सोचें, ई चक्रवर्ती का इस्तेमाल करने पर आपको दौलत के निवेश के बिना ही पाम बीच पाइपलाइन के परिणाम मिल सकते हैं। अपने पैसों की लीवरेजिंग के बजाय आप अपनी वास्तविक पाइपलाइन बनाने के लिए अपने समय और संबंधों की लीवरेजिंग करते हैं। अब यह पता लगाने का समय है कि कैसे ई चक्रवर्ती गणित 1+1×12 = धमाका। क्या आप सोचते हैं कि आप अपने नए ई चक्रवर्ती व्यवसाय में शामिल होने के लिए हर महीने केवल एक व्यक्ति को खोज सकते हैं, केवल एक साझेदार जिसकी ज़्यादा वित्तीय सुरक्षा, ज़्यादा स्वतंत्रता, ज़्यादा मान्यता और ज़्यादा खुशी की रुचि हो? एक महीने में एक अच्छा व्यक्ति, आपको इतने की ही जरूरत है। ई चक्रवर्ती महीना एक, आप एक साझेदार खोज सकते हैं। जब आप उस नए व्यक्ति के साथ साझेदारी करते हैं तो आप उसके कोच बन जाते हैं। आप उसे सिखाते हैं कि वह अपने मित्रों तथा परिचितों के साथ एफिलिएट साझेदारी कैसे बनाए। साथ ही आप दूसरे व्यक्ति के साथ साझेदारी करते हैं, इसलिए दूसरे महीने के अंत तक एक आपके पास 2 एफिलिएट साझेदार हो जाते हैं। इस दौरान आपका पहला साझेदार भी एक नेटवर्क मार्केटिंग के एक नए व्यक्ति को ले आया है। अब आपके पास 4 लोगों का समूह है, आप और 3 अन्य। क्या यही सही नहीं है? फिर आप तक प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। पहले साल के अंत तक आप व्यक्तिगत रूप से 12 लोगों के साथ साझेदारी करेंगे, हर महीने एक नया व्यक्ति। आइए ये मान लेते हैं कि इनमें से प्रत्येक भी हर महीने एक नए व्यक्ति के साथ साझेदारी कर लेता है। यहीं पर चक्रवर्ती का जादू सामने आता है। 12 महीने के अंत तक आपका नेटवर्क चक्रवर्ती होकर 4096 एफिलिएट स्वतंत्र व्यवसायिक मालिकों तक पहुँच सकता है। अब सचमुच रोमांचक हिस्सा यह है कि ई कॉमर्स कंपनी आपको पूरे एफिलिएट नेटवर्क के सेल्स वॉल्यूम का निश्चित प्रतिशत भुगतान करता है। अगर हर महीने 4,000 लोग औसतन $1,000 के प्रोडक्ट भी खरीदें तो कुल प्रोडक्ट का वॉल्यूम $400,000 होता है। एक ही महीने में अगर आपका ई व्यवसाय साझेदार है आपके उस वॉल्यूम पर 1-3% तक हिस्सा देता है तो आपको हर महीने $4,000 से $12,000 मिलेगा। अब क्या आप ये समझ गए हैं कि ई चक्रवर्ती को वास्तविक पाइपलाइन क्यों कहता है? यह चक्रवर्ती के घातांकीय विकास को ई कॉमर्स की सुविधा और पहुंच के साथ मिला देता है। न सिर्फ वास्तविक पाइपलाइन आपके मुनाफे को प्रभावित करती हैं, बल्कि पाब्लो की तरह आप अपने पैसे के बजाय अपने समय की लीवरेजिंग करके अपनी पाइपलाइन को आगे बढ़ाते जाते हैं। किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। ई चक्रवर्ती की सुंदरता यह है कि आपको शुरुआत करने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत नहीं होती है। इसे बनाने में दशक नहीं, कुछ महीनों या कुछ साल की ही जरूरत होती है। आपको किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती है। आप तो बस वह करते हैं जो आप हर दिन करते हैं। आप लोगों से बात करते हैं, आप इंटरनेट की दुविधा और हुल्लड़ से बचने में लोगों की मदद करते हैं, इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप ये बात कर सकते हैं, कर्सर रखकर क्लिक कर सकते हैं, तो आप वास्तविक पाइपलाइन बनाने के लिए अपने समय और संबंधों की लीवरेजिंग कर सकते हैं। वास्तविक पाइपलाइन में हम पाम बीच पाइपलाइन वाले लोगों से सीखते हैं। हम चक्रवर्ती की अवधारणा की नकल करते हैं, लेकिन अपने पैसे की चक्रवर्ती करने के बजाय हम अपने समय और संबंधों की चक्रवर्ती करते हैं। फलस्वरूप हमें पैसों के बहुत कम निवेश में ही पाम बीच पाइपलाइन वाले परिणाम मिल सकते हैं और समय के भी बहुत छोटे से हिस्से में। इसलिए संसार भर के लाखों लोग वास्तविक पाइपलाइन बनाने में जुटे हुए हैं। वे उन्हीं लाभों का आनंद ले सकते हैं जिनका आनंद अमीर लोग अपने पाम बीच पाइपलाइन के जरिए लेते हैं, लेकिन पैसे की लीवरेजिंग करने के बजाय वे अपने समय की लीवरेजिंग करते हैं। अपनी पाइपलाइन के लाभ पाने के लिए 50 साल तक इंतजार करते हैं के बजाय वे चंद महीनों में ही लाभ का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। इसमें दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। नई सहसबद्धि के लिए नया मॉडल
बिजनेस मॉडल। बेस्ट सेलर लीडिंग द रिवॉल्यूशन के लेखक गैरी हामले कहते हैं कि उच्च प्रौद्योगिकी वाले संसार में केवल वही कंपनियां नई अर्थव्यवस्था में समर्थ होंगी जो औद्योगिक क्रांति उत्पन्न करने में सक्षम हैं। हामेल तर्क देते हैं कि आज कंपनियां प्रोडक्ट और सेवाओं में भी प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, बल्कि नवाचारी व्यवसाय के विचार सोचने की योग्यता में भी प्रतिस्पर्धा करती हैं। वे आगे ये कहते हैं कि बेहतर व्यावसायिक अवधारणाएं उत्पन्न करना कोई नई चीज़ नहीं है। हेनरी फोर्ड की क्रांतिकारी अवधारणा एक ऐसी कार बनानी थी जिसे हर कामकाजी आदमी खरीद सके। फोर्ड ने हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक नई कार बनाई और ज़्यादा विविधता के आग्रहों पर प्रतिक्रिया दी। आप मॉडल टी की कार किसी भी रंग में ले सकते हैं, बस शर्त यह काली हो। जनरल मॉडल के अल्फ्रेड स्लोन ने फोर्ड की अवधारणा को बेहतर बनाया। वे समझते थे कि ग्राहकों की सहनशा है। सेलोन ने ग्राहकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों को पूरा करने के तरीके खोजे। सेलोन का मशहूर नारा था हर उद्देश्य और पर्स के हिसाब की कार। सेलोन के बेहतर व्यवसायिक अवधारणा की वजह से जिम छलांग लगाकर फोर्ड से आगे निकल गए। आज जिम संसार की सबसे ज़्यादा आमदनी कमाने वाली कंपनी है। नया मॉडल और बेहतर मॉडल। जीएम की तरह ई चक्रवर्ती मूल की ई कॉमर्स अवधारणा का सुधार है। नए ग्राहकों को आकर्षित करने और उसकी वफादारी बढ़ाने का बेहतर तरीका ई चक्रवर्ती द फैमिली सर्कस कार्टून की याद दिलाती है, जहां 5 साल की डोली अपने छोटे भाई को समझाती है कि तितलियां कहां चाहती हैं। वह कहते हैं तितलियां नई और बेहतर इलियां हैं। देखिए, ई चक्रवर्ती नया और बेहतर ई कॉमर्स है। मौखिक मार्केटिंग रेफरल फीस चक्रवर्ती की शक्ति के बिना ई कॉमर्स कभी अपने कुकन को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन ई चक्रवर्ती ई कॉमर्स को पंख लगाने और अपनी क्षमता तक पहुंचाने का एक नया बेहतर तरीका प्रदान करता है। फलस्वरूप रेफरल आधारित इंटरनेट कंपनियाँ फल फूल रही हैं, जबकि सैकड़ों डीप डिस्काउंट ई टेलर्स कर्ज में डूबे हुए हैं। लेकिन हर उद्देश्य और पर्स के लिए एक कार के बजाय ई चक्रवर्ती के हर उद्देश्य और पर्स के लिए एक पाइपलाइन है। आपका उद्देश्य ज़्यादा अच्छे किस्म का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त पैसा कमाना हो सकता है, या आपका उद्देश्य किसी दुर्घटना भरी नौकरी से बचना है पूरे संसार में फैली हुई वास्तविक पाइपलाइन बनाना हो सकता है। आपका उद्देश्य महीने में कुछ अतिरिक्त डॉलर कमाना हो सकता है। आपका उद्देश्य मल्टी मिलियनर बनना हो सकता है। ई चक्रवर्ती वास्तविक पाइपलाइन है। आप इसे कितना बड़ा मानते हैं यह आप पर निर्भर करता है। आप कौन सी पाइपलाइन वास्तविक पाइपलाइन पसंद करते हैं। अध्याय नंबर 8, आप 50 साल की योजना पसंद करते हैं या 5 साल की योजना। लेकिन दुखद बात यह है कि ज़्यादातर बाल्टी ढोने वाले जल्दी पाइपलाइन के विचार को खारिज कर देते हैं। पाब्लो और ब्रूनो बार बार एक जैसे बहाने सुनते थे। इतने सारे लोगों में भविष्य दृष्टि का अभाव था, यह देखकर पाब्लो और ब्रूनो दुखी हो जाते थे। यहाँ एक पुराना चुटकुला है जो पाइपलाइनों के बारे में दो महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। जो नाम का एक आदमी अपनी नौकरी से नफरत करता रहा, वह बरसों तक वही कम वेतन वाली नौकरी करता रहा, लेकिन उसने अमीर बनकर रिटायर होने का संकल्प लिया था। इसलिए उसने पाई पाई जोड़ी, हर सिक्का बचाया जो वह बचा सकता था, और अपने निवेश पाइपलाइन को ईंधन देने के लिए रात को तथा वीकेंड में एक दूसरी नौकरी भी की। 50 साल बाद उसका अनुशासन और त्याग रंग लाया। आखिरकार अब वह वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र हो गया था। जो ने निर्णय लिया कि अब वह 70 साल का हो चुका है, इसलिए वह जिंदगी शान से जिएगा। उसने निर्णय लिया कि अब वह पूरे संसार में स्कूबा डाइविंग के आजीवन स्वप्न को पूरा करेगा। जॉन ने सबको और गोताखोर के उपकरणों पर मेहनत से कमाए हजारों डॉलर खर्च किए। वह फर्स्ट क्लास में विमान से हवाई गया, जहां रिट्ज कार्लटन में उसने एक सूट बुक किया। अगले दिन वह हवाई से सबसे सुंदर रीप पर गोता लगाने गया। उसका सपना आखिरकार सच हो गया। उसे गर्व का एहसास हुआ जब उसने वे सारी महंगी चीज़ें पहनी और खास तौर पर बने एल्यूमिनियम ऑक्सीजन टैंक, जर्मन इंजीनियरों द्वारा निर्मित अंडरवाटर कैमरे, नोट्स लिखने के लिए वाटरप्रूफ पेन और अंडरवाटर पैड, अब जो पूरी तरह तैयार था।
जब जो इंद्रधनुषी रंगों वाली कोरल लीफ की तरफ नीचे तैरा तो उसने एक एक पल का आनंद लिया। नीचे जाते समय उसने मोहक मछलियों की फ़ोटो लिए। यह पहला गोता हर वह चीज़ थी जिसके बारे में उसने सपने देखे थे। उसने अपने नए शौक पर हजारों डॉलर खर्च किए थे, लेकिन उसे लग रहा था कि इस अनुभव से उसके पैसे वसूल हो गए हैं। यह इंतज़ार के लायक था, जो ने खुद से कहा, यह आदर्श है। अचानक जो ने देखा कि एक आदमी उससे 10 फुट नीचे तैर रहा था। वह केवल स्विमिंग ट्रैक पहने हुए था। जो ने टेस्ट में अपने नोटपैड पर एक संकेत लिखा। फिर वह उस आदमी के पास तक नीचे गया और उसका कंधा थपथपाया। जो ने मुंह बनाते हुए नोटपैड उस आदमी को थमा दिया जिस पर वह संदेश लिखा था, मैंने स्कूबा डाइविंग उपकरणों पर हजारों डॉलर खर्च किए और आप सिर्फ अपने तैराकी सूट में हैं, ऐसा क्या? उस आदमी ने पेड़ को पकड़कर बदवासी में लिखा, मैं डूब रहा हूँ, बहुत सारे लोग डूब रहे हैं। इस चुटकुले में हम जो पहला सबक सीखते हैं वह यह है कि चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। जिम यह मान रहा था कि वह आदमी एक आरामदेह गोते का आनंद ले रहा है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। वह आदमी डूब रहा था। पैसे के मामले में दिखावा धोखा दे सकते हैं। जो लोग रोलेक्स घड़ियां और डिजाइनर कपड़े पहनते हैं वे वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र नजर आते हैं, लेकिन उनमें से कई कर्ज में डूब रहे हैं। जब द मिलियनर नेक्स्ट डोर के लेखक थॉमस जे स्टेनली और विलियम डी डेको ने अपनी पुस्तक पर शोध शुरू किया तो वे उन लोगों से बातचीत करना चाहते थे जिनकी नेटवर्थ $1 मिलियन या इससे ज़्यादा थी। सबसे अमीर लोग सबसे महंगी मकानों में रहते हैं, ये मानते हुए लेखकों ने पूरे अमेरिका के आलीशान इलाकों में रहने वाले लोगों का सर्वेक्षण किया। लेकिन लेखकों को जल्दी पता चल गया कि बड़े घरों में रहने वाले और महंगी कारें चलाने वाले कई लोगों के पास ज़्यादा दौलत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वे पाइपलाइन बनाने के बजाय आमदनी का एक हिस्सा अलग नहीं रख रहे थे, बल्कि पूरी आमदनी अपनी आलीशान जीवन शैली पर खर्च कर रहे थे। स्टेनली और डेको ने इन महा उपभोक्ताओं का वर्णन करने के लिए एक कहावत का सहारा लिया, नाम बड़े दर्शन छोटे। यह कहावत काफ़ी स्पष्ट तस्वीर खींच देती है ना, 50 साल की पाइपलाइन योजना की शक्ति। हम गोताखोर की कहानी से जो दूसरा सबक सीखते हैं उसमें वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने की जो की योजना शामिल है, जो कि 50 साल की पाइपलाइन योजना अच्छी खबर और बुरी खबर के परिदृश्य का आदर्श उपकरण है। पचास साल की पाइपलाइन योजना की अच्छाई यह है कि यह कारगर है। कम पैसे वाले लोगों के लिए हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाना, शेयर बाजार में निवेश करना वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने का अचूक तरीका है। दीर्घकालीन निवेश की कुंजी लंबी अवधि तक नियम से पैसे जोड़ना है और इसे साल दर साल चक्रवर्ती होने देना है। यदि लोग पर्याप्त जल्द शुरू कर दें और अपनी पाइपलाइन योजना बनाने से चिपके रहें तो वे केवल $100 प्रति माह बचाकर ही मिलियनर बन सकते हैं। असंभव, आप कहते हैं, नीचे दिया चार्ट कहानी इस तरह बताता है। 65 साल के होने तक $1 मिलियन कैसे जोड़े, 10-12% वार्षिक ब्याज दर अनुमानित, शुरुआत की उम्र, दैनिक बचत, मासिक बचत, वार्षिक बचत और $1 मिलियन बनने में लगने वाले साल, 25 की उम्र से $3.57 और $109 मासिक बचत से 40 साल में $1 मिलियन बन सकता है और 55 की उम्र में $4,749 एक मासिक बचत से 10 साल में $1 मिलियन बन सकता है। पिछले 70 सालों से शेयर बाजार ने औसतन 11% मुनाफा दिया है और पिछले दशक में 25% से ज़्यादा। इस बात पर विचार करते हुए 12% मुनाफे की दर तार्किक और न्यायपूर्ण है। यह सीखना आश्चर्यजनक है कि मिलियनर बनना आसान होता है, शर्ते आप अपनी दीर्घकालीन पाइपलाइन बनाने का काम पर्याप्त जल्दी शुरू कर दें। गरीबी की रेखा के ऊपर जी रहा हर व्यक्ति यह काम कर सकता है। इसके लिए बस 12% ब्याज देने वाले म्यूचुअल फंड में हर महीने हर दिन $1 का निवेश करने की ज़रूरत है, फिर इसे 40 साल तक चक्रवर्ती होने दें। इसे इस तरह सोचे, 3 अमरीकियों में से एक सिगरेट पीता है। फ्लोरिडा में सिगरेट के एक पैकेट लगभग $3.57 में आता है।
अगर 25 साल की उम्र में सिगरेट छोड़ने वाला हर व्यक्ति अपने सिगरेट के खर्च का निवेश बाजार में कर दे और इसे 40 साल तक चक्रवर्ती होने दो, तो एक तिहाई अमरीकी 65 साल के होने तक एक मिलियनर बन जाएंगे। क्या यह अद्भुत नहीं है कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको यह बात बता देता जब आप 25 साल के थे? यहाँ तक कि 35 और 45 की उम्र में भी सामान्य व्यक्ति के लिए मिलियनर पाइपलाइन बनाना संभव है, लेकिन जो लोग रिटायरमेंट की खातिर बचत करने का तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक कि वह 55 नहीं के नहीं हो जाते, उनके सामने काफ़ी मुश्किलें आने वाली हैं। ये बात तो तय है, सबसे बड़ा जोखिम बाज़ार में निवेश करना है। कई लोग अब भी सोचते हैं कि शेयर बाज़ार में निवेश करना ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम भरा है। हाँ, ये बात तो है, कुछ शेयर नीचे जाते हैं और कई बार तो पूरा बाज़ार भी नीचे चला जाता है, जैसा कि 1929 में हुआ था। लेकिन वॉल स्ट्रीट के सभी धुंधर कहते हैं कि लंबे समय में शेयर बाज़ार में निवेश करना मुनाफे देने वाली पाइपलाइन बनाने का सबसे आसान और सबसे अचूक तरीका है। तथ्य भी विशेषज्ञों का समर्थन करते हैं। 200 से ज़्यादा सालों में जब से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज व्यवसाय में है, शेयर हर 3 दिनों में से औसतन 2 दिन ऊपर जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शेयर बाज़ार 71 गुना ऊपर जा चुका है। हालांकि इन 55 सालों में 9 मंदियां आई हैं। जेरेमी सीगल की पुस्तक स्टॉक फॉर द लॉन्ग रन में 1802 से 1997 के बीच के 195 वर्षों के आंकड़े बताए गए हैं। अगर आप 1802 में सोने के $1 का निवेश करते तो 1997 में वह सिर्फ $11.17 होता। उसी डॉलर का निवेश अगर आप शेयर बाज़ार में करते तो वह चक्रवर्ती होकर $7.5 मिलियन हो जाता। मुद्दे की बात यह है कि 50 साल की पाइपलाइन की जगह अपनी जगह है, इस बारे में कोई शक नहीं। ज़्यादातर लोगों के पास 50 साल की कई पाइपलाइनें निर्माणाधीन होती हैं। उनका घर एक दीर्घकालीन पाइपलाइन है, सामाजिक सुरक्षा एक और पाइपलाइन है। दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग इन्हीं 2 पाइपलाइनों पर रुक जाते हैं। दूसरी ओर स्मार्ट लोग निवेश पोर्टफोलियो, पेंशन योजनाओं, IRA और जैसी ही दूसरी चीज़ों के जरिए अतिरिक्त दीर्घकालीन पाइपलाइनें बनाते रहते हैं। ये सभी दीर्घकालीन पाइपलाइनें बेहतरीन होती हैं और उन्हें हर वह व्यक्ति बना सकता है जिन्हें उन्हें लंबे समय तक बनाने की समझदारी और अनुशंसा है। स्मार्ट लोगों की 50 साल की पाइपलाइन सामाजिक सुरक्षा और उनका मकान प्लस 401 के IRA, रियल इस्टेट, CD, टी बिल्स, पेंशन फंड, शेयर एंड बॉन्ड्स आदि। 50 साल की योजना की कमी, ठीक है, मैंने अभी अभी आपको 50 साल की पाइपलाइन योजना के बारे में अच्छी बात बताई। लगभग हर कामकाजी परिवार $1 मिलियन की पाइपलाइन बना सकता है अगर यह है हर महीने बचाने लगे और अपने निवेश का समय के साथ चक्रवर्ती होने दे। लेकिन बुरी बात यह है कि ज़्यादातर लोग पाइपलाइन के लाभों का आनंद आज ही लेना चाहते हैं, 20, 30, 40, 50 साल तक इंतज़ार करने के बजाय। मैं यह बात मानता हूँ, मैं भी जीवन में ज़्यादा अच्छी चीज़ों का आनंद लेना ही चाहता हूँ, आधी सदी के बाद नहीं। हाँ, मैं दीर्घकालीन पाइपलाइन बनाने में विश्वास करता हूँ। मेरी कई दीर्घकालीन पाइपलाइनें बनने में प्रक्रिया में हैं और निर्माणाधीन है, लेकिन सच तो यह है कि मैं तो पैसे बचाने के बजाय खर्च करना चाहूँगा। मैं पैसे से खरीदी जा सकने वाली चीज़ों को पसंद करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसी ही महसूस करते होंगे। मैं 1 रेस्टोरेंट में बेहतरीन भोजन का आनंद लेता हूँ। मुझे अपने परिवार को इसकी वेकेशन और क्रूज पर ले जाना पसंद है। हमने वेकेशनों के दौरान अपनी कुछ सबसे अच्छी पारिवारिक यादें इकट्ठी की है। मैंने नई कार का अंदर की खुशबू बहुत पसंद है। मैं छोटी मजाक के बजाय बड़ी मर्सिडीज चलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं दिन में किसी भी समय अपने सेलफोन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, सिर्फ रात को और वीकेंड पर नहीं, जब कॉल की दर सस्ती होती है। और मैं किसी हिट फिल्म को रिलीज होते ही देखने के लिए $20 खर्च करना ज़्यादा पसंद करूँगा, बजाय इसके कि इसे $3 में किराए पर लेने के लिए 3 महीने तक इंतज़ार करूँ। यह निष्कर्ष ये है कि दीर्घकालीन पाइपलाइनें उन लोगों के लिए अनिवार्य हैं जो चिंता मुक्त रिटायरमेंट का आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को 50 साल की पाइपलाइन बनानी चाहिए। लेकिन आइए सच का सामना करते हैं, क्या 50 साल के पाइपलाइन का लाभों का आनंद लेने के लिए 50 साल का सचमुच इंतज़ार करना चाहते हैं? मैं तो नहीं, मैं अपनी रिटायरमेंट पाइपलाइन बनाने के लिए त्याग करने को भी तैयार हूँ। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि इसके लिए 50 साल तक किसी साधु जैसी ज़िंदगी गुजारूं। मैं अपने सपने अब भी जीना चाहता हूं। जब मैं युवा हूं, बच्चे घर पर ही हैं, अपने सपनों को जीना शुरू करने के लिए मैं 65 और 70 का होने का इंतज़ार नहीं करना चाहता। चुटकले वाले स्कूबा ड्राइवर की तरह है, मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा ही महसूस करते होंगे।
अपना केक रखें और इसे खाएं भी। जैसा मैंने पहले कहा था, आपको कम से कम एक दीर्घकालीन पाइपलाइन अवश्य बनानी चाहिए, लेकिन यह एकमात्र पाइपलाइन नहीं होनी चाहिए जिसे आप बनाते हैं। जिस तरह आपको सभी अंडे एक ही डलिया में नहीं रखना चाहिए, उसी तरह आपको अपने सभी मुनाफे भी एक ही पाइपलाइन में नहीं रखना चाहिए। देखिए, 5 साल की पाइपलाइन योजना के साथ आप न केवल पाइपलाइनों के अपने पोर्टफोलियो का विविधीकरण करते हैं, बल्कि आप बड़े सपने देख सकते हैं और 60 से 70 साल की उम्र के बजाय उन्हें तुरंत पूरा भी कर सकते हैं। आप अपना केक रख भी सकते हैं और इसे खा भी सकते हैं। इस बारे में सोचें, क्या आप 50 साल की बजाय 5 साल में वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र नहीं बनना चाहेंगे? जाहिर है, आप ऐसा ही चाहेंगे, कौन नहीं चाहेगा। इसलिए मैं आपको यह सलाह देता हूँ कि अपने 50 साल की पाइपलाइन बनाने के साथ साथ अपने 5 साल की पाइपलाइन भी बना ले। वास्तविक पाइपलाइनें ई चक्रवर्ती 50 साल के बजाय 2 से 5 साल में बनाई जा सकती हैं। यह दशकों के बजाय महीनों में ही मुनाफा दे सकती हैं। आप अपनी वास्तविक पाइपलाइन अपने खाली समय में बनाना शुरू कर सकते हैं, शाम को, वीकेंड पर, जब तक कि यह आपको इतना मुनाफा न देने लगे कि आप इसे पूरा समय बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाए। ज़रा सोचिए, 50 साल की पाइपलाइन बनाने में जितना समय लगता है, उससे 10% समय में वास्तविक पाइपलाइन बनाने आपको बलूत के पेड़ के शिखर पर पहुंचा सकती है। और इससे अच्छी बात, आपको 5 साल की पाइपलाइन बनाने के लिए ट्रक भरकर पैसा बचाने या निवेश करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको तो बस अपने समय और अपने संबंधों की लिवरेजिंग की ज़रूरत है। आज के लिए जिए, कल के लिए योजना बनाएं। बरसों पहले मेरे पिताजी ने मुझे बेहतरीन सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि आज के लिए जिए, कल के लिए योजना बनाएं। मैं ये शब्द कभी नहीं भूला और मैं अपनी चारों संतानों के सामने उन्हें दोहराता रहता हूँ। जब आप अपने 50 साल की पाइपलाइन बना रहे हों, तब 5 साल की पाइपलाइन भी बनाते रहें। इससे आपको मेरे पिता की बुद्धिमत्तापूर्ण की सलाह का अनुसरण करने की शक्ति मिलती है। देखिए, वास्तविक पाइपलाइन योजना 5 साल की पाइपलाइन आपको आज के लिए जीने में सक्षम बनाती है, क्योंकि आप कुछ ही महीनों के भीतर अपनी मेहनत के फलों का आनंद ले सकते हैं। दूसरी ओर, 50 साल की पाइपलाइन योजना आपको कल के लिए योजना बनाने की अनुमति देती है। इसलिए मैं लोगों को दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों तरह की पाइपलाइन बनाने की सलाह देता हूँ। जब मेरे पिताजी ने मुझे आज के लिए जिए और कल के लिए योजना बनाएं की सलाह दी थी, तो मैं दरअसल ये कह रहे थे कि पाइपलाइन आपके जीवन की डोर हैं। इसलिए बाल्टी ढोने वाले हम माल नहीं, बल्कि पाइपलाइन निर्माता बनो। बेहतरीन सलाह डैडी की।